नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग आई होप आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में दोस्तों आज की क्लास में हम आपके लिए लेके आए हैं वीपो और इंटरनेशनल ट्रीटीज़ बहुत रिसर्च करके बहुत जगह से ढूंढ ढाल के आपके लिए बहुत यूनिक कंटेंट लेके आए हैं एक चीज़ ध्यान रखिएगा बहुत कोशिश करी है कि आपको आसान लैंग्वेज में समझा सकें ध्यान रखिएगा पूरा लेक्चर देखिएगा मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये आपके एग्जाम के लिए और इसी के साथ हमारा आज इस लेक्चर के बाद आपका सी जी पी डी का आई का पूरा सिलेबस कंप्लीट होता है ठीक है दोस्तों शुरुआत करेंगे डब्ल्यू से और उसके बाद पढ़ेंगे इंटरनेशनल ट्रीटीज पूरी छब्बीस की छब्बीस ट्रीटीज पूरा डिटेल में पढ़ेंगे चलिए शुरू करते हैं देखिए दोस्तों आज की क्लास में क्या हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डब्ल्यू और इंटरनेशनल ट्रीटीज क्या हमारा कंटेंट रहने वाला है वॉट इज डब्ल्यू आई पी ओ ओरिजिन ऑफ डब्ल्यू आई पी ओ सेलियन फीचर्स ऑफ डब्ल्यू आई पी ओ मेन एक्टिविटीज़ ऑफ़ डब्ल्यू आई पी ओ और उसके बाद करेंगे इंटरनेशनल ट्रीटीज़ डब्ल्यू आई पी ओ पढ़ने से पहले हम आपको बताते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है डब्ल्यू आई पी ओ टोटल छब्बीस इंटरनेशनल ट्रीटीज़ को एडमिनिस्टर करता है ये आपके सामने जो स्क्रीन पर है ये वन टू थ्री ये टोटल ट्वेंटी फाइव ट्रीटीज़ हैं और एक ये है हमारा डब्ल्यू आई पी ओ कन्वेंशन तो टोटल होती हैं दोस्तों छब्बीस इंटरनेशनल ट्रीटीज़ इंपॉर्टेंट है डब्ल्यू कितनी ट्रीटीज को एडमिनिस्टर करता है ट्वेंटी सिक्स अब एक क्वेश्चन यहां पर यह भी आता है कि इंडिया कितनी ट्रीटीज का मेंबर है कितने एग्रीमेंट्स में इंडिया ने साइन किए हुए हैं करेक्ट आंसर है सिक्सटीन ये भी हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए ठीक है तो ये टोटल 26 ट्रिटीज़ हैं पूरी की पूरी कवर करेंगे यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपको बता देता हूं ये जो क्लासिफिकेशन दिया है जो मैंने पिछली क्लास में आपको ट्रेडमार्क में डिज़ाइन में और जीआई में पढ़ाया था किस क्लासिफिकेशन का यूज़ होता है इनके एडिशन जानना ज़रूरी है वो आप जान लीजिए हो सकता है एग्जाम में पूछ ले लोकार्नो क्लासिफिकेशन ये देखिए लोकार्डो एग्रीमेंट है एग्रीमेंट होने के बाद ही लोकार्नो क्लासिफिकेशन बना है नाइस एग्रीमेंट एग्रीमेंट होने के बाद ही नाइस क्लासीफिकेशन बनाए लोकार्डो एग्रीमेंट का हमारा फोर्टीनथ एडिशन है ठीक है दोस्तों नाइस एग्रीमेंट का हमारा ट्वेल्थ एडिशन है ट्वेल्थ एडिशन और ये जो स्टेट्सबर्ग एग्रीमेंट है तो बेसिकली जो हमारा इंटरनेशनल पेटेंट क्लासिफिकेशन है उसकी नींव इसी से पड़ी स्ट्रेट्सबर्ग एग्रीमेंट इंटरनेशनल पेटेंट क्लासिफिकेशन एट्थ एडिशन वियना एग्रीमेंट नाइन्थ एडिशन ठीक है अभी ये हम लोग पूरा आगे डिटेल में पढ़ेंगे घबराने की जरूरत नहीं बहुत आसान लैंग्वेज में आपको सिखाने की पूरी कोशिश करिए चलिए देखते हैं डब्ल्यू क्या है देखिए दोस्तों डब्ल्यू जो बना है ये बना है चौदह जुलाई नाइनटीन को बेसिकली इस दिन डब्ल्यू कन्वेंशन हुआ था लेकिन अगर हम बात करें डब्ल्यू आई पी कब हुआ है तो वो हुआ है नाइनटीन में अभी आगे हम आपको इसका टाइमलाइन बताएंगे तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी और ये क्या है ये यूनाइटेड नेशंस की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है टोटल यूनाइटेड नेशंस की पंद्रह स्पेशलाइज एजेंसी हैं आपके सामने ये स्क्रीन पर हैं ये सारी की सारी यूनाइटेड नेशंस की स्पेशलाइज एजेंसी हैं इसी में से एक है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यू यूनाइटेड नेशंस की स्पेशलाइज एजेंसी जो पंद्रह एजेंसीज हैं उसमें से एक है इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल डब्ल्यू आई पी ओ का हेड क्वार्टर कहाँ पर है अगर आपसे पूछ लेता है तो आपको दोस्तों पता होना चाहिए जेनेवा स्विट्जरलैंड में और आज तक इसके जो मेंबर हैं वो हैं 193 मेंबर्स जी हाँ दोस्तों 193 मेंबर्स हैं और इसके हेड हैं डायरेक्टर जनरल मिस्टर डेरिन टैंग ठीक है दोस्तों अब देखिए जो इसके 193 मेंबर्स हैं इसमें से 122 रिप्रेजेंटेड मेंबर स्टेट्स हैं और 71 वन मेंबर स्टेट्स हैं तो टोटल होता है ये हमारा 193 ये भी आपको जानना जरूरी है एक में 122 आपके रिप्रेजेंटेड मेंबर स्टेट हैं और 71 वन अनरिप्रेजेंटेड मेंबर स्टेट्स हैं डब्लू है क्या इस्टेब्लिड इन नाइनटीन सेवेंटी द वर्ल्ड इंटलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यू आई पी ओ अ स्पेशलाइज एजेंसी ऑफ़ द यूनाइटेड नेशंस जो हमने आपको बताया यूनाइटेड नेशन की पंद्रह स्पेशलाइज एजेंसीज हैं उसमें से एक है वॉज इस्टैब्लिश्ड विद प्राइम फोकस ऑन on प्रोमोटिंग एंड प्रोटेक्टिंग protecting IP across द ग्लोब पूरे वर्ल्ड में जितनी भी IP की कैटेगरी हैं उनको प्रोटेक्ट करता है उनको प्रोमोट करता है और यहाँ पर लिखा हुआ है स्टेब्लिश इन नाइनटीन आप बोलेंगे आपने तो बताया कि चौदह जुलाई 1967 को बना है यहाँ आप बोल रहे हैं नाइनटीन ऐसा क्यों है ये अभी हम आपको आगे बता देते हैं ओरिजिन ऑफ डब्ल्यू आई डब्ल्यू आई की शुरुआत कहाँ से हुई तो दोस्तों 1883 में कन्वेंशन हुआ था 1886 में बर्न कन्वेंशन हुआ था ठीक है ये दोनों कन्वेंशन 1893 में कंबाइन हो गए थे ये दोनों कन्वेंशन यानी कि ब्यूरो इनको मिला दिया गया और मिला के बना दिया गया बी आई आर पी आई बिरपी यानी कि यूनाइटेड इंटरनेशनल ब्यूरो फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इसके बाद क्या हुआ फॉलोइंग अ कन्वेंशन इन 1967 सिक्सटी का एक कन्वेंशन हुआ फॉर एस्टेब्लिशिंग एन इंटरनेशनल अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आई पी इशूज Birpi was replaced by WIPO in 1970. तो डब्ल्यू आई पी ओ का जो कन्वेंशन हुआ उन्नीस सौ सड़सठ में वो किस लिए किया गया वो इसलिए किया गया कि जितने भी हमारे पूरे वर्ल्ड में जो भी आई पी हैं इंटरनेशनल सॉरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जितनी कैटेगरी होती हैं पेटेंट है कॉपी राइट है ट्रेडमार्क है डिज़ाइन जितनी भी हैं इनको सबको एडमिनिस्टर करने के लिए एक हमको पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन चाहिए या अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन चाहिए तो इसलिए बना दिया गया डब्ल्यू आई पी ओ उन्नीस सौ सत्तर में यानी कि जो ये बिरपी है इसको रिप्लेस कर दिया गया डब्लू आई पी ओ से और डब्ल्यू आई पी ओ 1974 में यू ने इस्टेब्लिश किया डब्ल्यू मतलब कि 1974 में डब्ल्यू यूनाइटेड नेशंस में शामिल हुआ है ठीक है 14 जुलाई 1967 को कन्वेंशन हुआ डब्ल्यू कन्वेंशन 1970 में बिरपी को रिप्लेस करके बना दिया गया डब्लू 1974 में ये आपका यूनाइटेड नेशंस में शामिल हो गया ठीक है एज ऑफ नवंबर 2023 ट्वेंटी थ्री डब्ल्यू आई पी ओ हैजन नाइन्टी मेंबर्स जिसमें कि 122 आपके रिप्रेजेंटेड मेंबर 71 वन अनरिप्रेजेंटेड मेंबर ठीक है दोस्तों अब इसकी एक बार टाइमलाइन देख लेते हैं तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा अट्ठारह में क्या हुआ दोस्तों पेरिस कन्वेंशन पेरिस कन्वेंशन 1886 में 1886 में क्या हुआ दोस्तों बर्न कन्वेंशन बर्न कन्वेंशन ठीक है और आपको पता होगा 1891 में मैड्रिड एग्रीमेंट भी हुआ था वो सब अभी आगे हम बात में डिस्कस करेंगे इसके बाद क्या हुआ इन दोनों को कंबाइन कर दिया गया इन दोनों ब्यूरो को या इन दोनों कन्वेंशन को कंबाइन करके 1893 में क्या बना दिया गया बिरपी बी आई आर पी आई जो कि हमने आपको अभी पहले पीछे बताया बिर का मतलब है यूनाइटेड इंटरनेशनल ब्यूरो फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ आई यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इसके बाद दोस्तों नाइनटीन में डब्ल्यू आई पी ओ कन्वेंशन हुआ 1967 में 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 हुआ हुआ होने के बाद क्या हुआ? 1970 1970 ये ये जो आपका था रिप्लेस होके इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया डब्लू आई पी ओ डब्लू आई पी ओ एटीन से 1970 से नाइनटीन सेवनटी रिप्लेसू आई पी ओ क्लियर इसके बाद क्या हुआ दोस्तों इसके बाद आपका 1974 में 1974 में जो आपका डब्ल्यू है ये यूनाइटेड नेशंस में शामिल हो गया तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ डब्लू आई इंक्लूडेड इन यूनाइटेड नेशंस और अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है इंडिया डब्ल्यू का मेंबर कब बना है तो 1975 में इंडिया बिकेम अ मेंबर ऑफ बिकेम मेंबर ऑफ डब्ल्यू आई पी ओ क्लियर समझ में आ गई आपको पूरी टाइम लाइन ठीक है दोस्तों इंडिया बीकेम ए मेंबर ऑफ डब्ल्यू आईपीओ उन्नीस सौ पिछहतर इंपॉर्टेंट है इंडिया मेंबर कब बना है उन्नीस सौ पिछहत्तर नाइनटीन सेवेंटी फाइव ठीक है अब मान लीजिए आपके एग्जाम में ऑप्शन दे देता है ऐसा कि डब्ल्यू आईपीओ कब बना है आप कंफ्यूज मत होइएगा चौदह जुलाई उन्नीस सौ सड़सठ डब्ल्यू आई पी ओ की बेसिकली शुरुआत तो यहीं से ही हुई है कन्वेंशन हुआ है उसके बाद ये डिसाइड किया गया कन्वेंशन भी क्यों हुआ कन्वेंशन इसलिए हुआ कि जितनी भी आईपी की कैटेगरीज हैं इनको एडमिनिस्टर करने के लिए एक पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन या अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन चाहिए तो इसलिए बिरपी को उन्होंने रिप्लेस करके डब्ल्यू आई पी ओ कर दिया ठीक है तो करेक्ट आंसर है फोर्टीन जुलाई नाइनटीन सिक्सटी सेवन ठीक फीचर्स ऑफ डब्ल्यू आई पी ओ डब्ल्यू आई पी ओ वर्स फॉर प्रोमोटिंग एंड स्ट्रेंथनिंग आईपी राइट्स ठीक है प्रमोट करता है आई राइट्स को मजबूत करता है और उसके साथ साथ कैसे उसको इन्फोर्स किया जाए इस पर भी काम करता है डब्ल्यू आई पी ओ छब्बीस इंटरनेशनल आई पी ट्रिटीज का एडमिनिस्ट्रेटर है एंड सपोर्ट्स द मॉडर्नाइजेशन ऑफ आई पी सिस्टम्स इन डेवलपिंग कंट्रीज डेवलपिंग कंट्रीज में जो भी आई पी सिस्टम चल रहा है उसको बेसिकली एक तरह से प्रमोट करने का काम उसको मॉडर्नाइज करने का काम उस पर पूरा सपोर्ट करता है डब्ल्यू आई पी ओ डब्ल्यू आई पी ओ ऑल्सो सर्ल्स एज अ मीडियम फॉर इंटर गवर्नमेंटल निगोशिएशन निगोशियशंस ऑन लीगल इंस्ट्रूमेंट्स मतलब कि लीगल जितने भी आपके निगोशियेशन हैं उस पर भी काम करता है डब्ल्यू आई पी ओ डब्ल्यू आई पी ओ प्रोवाइड्स अ सेट ऑफ इंटरनेशनल रूल्स एक इंटरनेशनल रूल दिया हुआ है जिसने कि जो कि बैलेंस बना के रखता है हर एक मेंबर कंट्री के बीच कि आपको ये सारे के सारे इंटरनेशनल रूल्स फॉलो करने होंगे ठीक है दोस्तों ये बात हमने करी फीचर्स ऑफ डब्ल्यू अब देखते हैं डब्ल्यू की एक्टिविटीज़ क्या ये भी वही चीज़ है कुछ अलग नहीं है लीगल निगोशिएशन एंड पॉलिसी डिस्कशंस डब्ल्यू आई पी ओ प्रोवाइड्स अ फोरम फॉर मेंबर स्टेट्स जितने भी इसके मेंबर कंट्रीज हैं उनको एक फोरम प्रोवाइड करता है कि अगर आपको कोई भी किसी भी तरह का लीगल निगोशिएशन करना चाहते हैं कोई पॉलिसी डिस्कशन करना चाहते हैं तो उसके लिए डब्लू एक इनको फोरम प्रोवाइड करता है दूसरा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंटर गवर्नमेंटल आईपी ट्रीटीज जो अभी हमने आपको बताया डब्ल्यू आई पी ओ सेटेरिएट प्रोवाइड्स रेंज ऑफ सर्विसेज़ टू इट्स मेंबर स्टेट्स अदर स्टेक होल्डर्स एंड द पब्लिक द सेक्रेटेट एडमिनिस्टर्स ट्वेंटी सिक्स इंटरनेशनल आई पी ट्रीटीज एंड दियर फाइनेंशियल अरेंजमेंट ये सारा काम कॉर करता है डब्ल्यू आई पी ओ का सेक्रेटेट इंटरनेशनल आई पी फाइलिंग एग्जामिनेशन सर्विस डब्ल्यू आई पी ओ ऑफर्स ट्रीटी रिलेटेड सर्विसज दैट हेल्प एप्लीकेंट्स एंड होल्डर्स ऑफ आई पी राइट्स प्रोटेक्ट दियर आई पी इंटरनेशनल अगर किसी को फाइल करना है तो भैया सीधी सी बात है डब्ल्यू ने जो छब्बीस ट्रीटीज़ को एडमिनिस्टर करता है आपको उसको फॉलो करना होगा आपको देखना होगा उनके क्या प्रोसीजर्स हैं उनके क्या एप्लीकेशन है कैसे किया जाता है तो एक तरह से उसमें भी आपकी मदद करता है अगर आपको इंटरनेशनल कोई भी आपको अपनी आई फाइलिंग करानी है ठीक है आई पी इंफॉर्मेशन एडवाइजरी एंड ट्रेनिंग सर्विसेज डब्ल्यू आई पी ओ प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन सर्विसेज थ्रू अ सीरीज ऑफ ग्लोबल डेटा बेसिस पेटेंट डॉक्यूमेंट्स ब्रांड्स इंडस्ट्रियल डिजाइन एंड लॉ एंड ट्रीटीज आपने देखा होगा मैंने आपको बताया था कोई पेटेंट अपना रजिस्टर कराने जाता है ट्रेडमार्क रजिस्टर कराने जाता है तो उसको पहले डब्ल्यू की वेबसाइट पर जाकर के डेटा सर्च करना होता है देखना होता है कि ऐसा तो नहीं कि ये कहीं पहले से तो नहीं अवेलेबल है तो ये सारा जो डेटा होता है ये कौन प्रोवाइड कराता है ये प्रोवाइड कराता है डब्ल्यू ये इसकी मेजर एक्टिविटीज थी अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज इंटरनेशनल ट्रीटीज मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है चलिए उसकी शुरुआत करते हैं ये है हमारा आज की क्लास का कंटेंट ये सारे के सारे 26 सिक्स ट्रीटीज यहां पर कवर करने वाले हैं सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको बताता चलूंगा कितने मेंबर्स हैं और इंडिया किस किस का मेंबर है ठीक है सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट पेरिस कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोपर्टी एक चीज और आपको बता देता हूं इंडिया कितनी कन्वेंशन या ट्रीटीज को फॉलो करता है पता होना चाहिए आपको 16, 16, ठीक है 16 ट्रीटीज को फॉलो करता है जिस पर उसने साइन किए हुए हैं अगर मान लीजिए आपसे एग्जाम में पूछ लेता है तो आपको पता होना चाहिए 16 कौन कौन सी है अभी डिस्कस कर लेते हैं नंबर वन पेरिस कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी जो भी आपके जितने भी इसके मेंबर्स हैं मैं सर्कल में लिखता जाऊंगा ताकि आपको ना नाउ पेरिस कन्वेंशन कितने हैं वन सेवनटी नाइन ठीक है पेटेंट कॉपरेशन ट्रिटी पीसी उन्नीस सौ सत्तर में इस पर साइन हुए उन्नीस सौ इकहत्तर में लागू हुआ है इसके हैं वन फिफ्टी सेवन बुडापेस्ट ट्रीटी ऑन द इंटरनेशनल रिकॉग्निशन ऑफ द डिपॉजिट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर पेटेंट प्रोसीजर 1977 में इस ट्रीटी पर साइन हुए हैं मेंबर्स हैं 88 ठीक है इंडिया इन तीनों ही ट्रीटी का मेंबर है मैं टिक करता जा रहा हूं इसका मतलब है कि ये इंडिया इसका मेंबर है ट्रेडमार्क लॉ ट्रीटी पेटेंट लॉ ट्रीटी सिंगापुर ट्रीटी इंडिया इन तीनों का मेंबर नहीं है ट्रेडमार्क लॉ ट्रीटी टी एल टी 1994 में, 1994 में इस ट्रीटी पर साइन किए गए 54 कंट्रीज इसके मेंबर हैं

2009 में ये ट्रीटी लागू हुई है और इसके मेंबर्स कितने हैं 54 फोर चौवन मेंबर्स है ठीक है इंडिया इसका भी मेंबर नहीं है नेक्स्ट है हमारा वाशिंगटन ट्रीटी ऑन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स 1989 में इस ट्रीटी पर साइन हुए थे इंडिया ने इसको 1990 में ज्वाइन किया था लेकिन आज की डेट में ये ट्रीटी लागू नहीं है आज की डेट में यह ट्रीटी लागू नहीं है इसलिए इसके कितने मेंबर्स हैं नहीं बता सकते हैं ध्यान रखिएगा वॉशिंगटन ट्रीटी आज की डेट में लागू नहीं है नेक्स्ट है बीजिंग ट्रीटी ऑन ऑडियो विजुअल परफॉर्मेंस 2012 में इस ट्रीटी पर साइन किए गए और इसके मेंबर आज की डेट में है 47 इंडिया इसका भी मेंबर नहीं है मरकेश वीआईपी ट्रीटी इसका मेंबर इंडिया है 2013 में इस ट्रीटी पर साइन किए गए आज की डेट में इसके मेंबर्स हैं 93 ठीक है माराकेश वीआईपी ट्रीटी इंडिया इसका मेंबर है नेरोबी ट्रीटी इसका भी मेंबर है इंडिया नेरोबी ट्रीटी ऑन द प्रोटेक्शन ऑफ द ओलंपिक सिंबल ओलंपिक सिंबल को बचाने के लिए उसके प्रोटेक्शन के लिए नैरो ट्रीटी की हुआ था 1981 में इस पर साइन किए गए थे और इसके जो मेंबर्स हैं वो है 55 ठीक है नेक्स्ट है हमारा ब्रुसेल्स कन्वेंशन नहीं है इसका मेंबर इंडिया हमारा इसका मेंबर नहीं है ब्रुसेल्स कन्वेंशन रिलेटिंग टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोग्राम कैरिंग सिग्नल्स ट्रांसमिटेड बाय सैटेलाइट्स 1974 में इस पर साइन हुए और मेंबर है इसके थर्टी 39 थर्टी नेक्स्ट है हमारा आप देखिए मेड्रिड एग्रीमेंट है और उसके बाद मेड्रिड प्रोटोकॉल है प्रोटोकॉल इसी एग्रीमेंट में एड किया गया है मेड्रिड एग्रीमेंट कंसर्निंग द इंटरनेशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ मार्क्स 1891 नाइनटी वन में इस एग्रीमेंट पर साइन हुए इसके मेंबर्स थे अभी हैं आज की डेट में 55 ठीक है लेकिन इसमें प्रोटोकॉल ऐड हुआ अगर मान लीजिए कोई एग्रीमेंट है एग्रीमेंट्स में कुछ मॉडिफिकेशन किए जाते हैं तो उसे हम बोल देते हैं प्रोटोकॉल प्रोटोकॉल के बाद आ गया हमारा मेड्रिड प्रोटोकॉल नाइनटीन अब ये जो प्रोटोकॉल आया नाइनटीन में इंडिया इसका मेंबर बना एग्रीमेंट पर इंडिया ने साइन नहीं किए थे लेकिन प्रोटोकॉल को उसने फॉलो किया 1989 में जो प्रोटोकॉल आया उसको इंडिया ने फॉलो किया और आज की डेट में 114 कंट्रीज इसके मेंबर हैं, ठीक है मेड्रिड एग्रीमेंट का मेंबर इंडिया नहीं है लेकिन प्रोटोकॉल को फॉलो करता है नेक्स्ट है हमारा एग्रीमेंट फॉर इंटरनेशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ इंडस्ट्रियल डिजाइन ए आई आर डी नाइनटीन ट्वेंटी फाइव जिसे हेग एग्रीमेंट या हेग सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है नीदरलैंड की कैपिटल है द हेग हेग एग्रीमेंट या हेग सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है इंडिया इसका मेंबर नहीं है याद रखना होगा आपको हेग एग्रीमेंट अच्छा हाँ इसके मेंबर कितने हैं तो इसके मेंबर्स हैं हमारे सेवेंटी नाइन किसके हैं हेग एग्रीमेंट के सेवेंटी नाइन ठीक है नेक्स्ट है नाइस क्लासिफिकेशन जो कि मैंने आपको बताया नाइस एग्रीमेंट पर साइन हुए थे 1957 में और उसके बाद नाइस क्लासिफिकेशन एस्टेब्लिश किया गया किसके लिए था इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द पर्पजेज ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ मार्क्स ठीक है इसमें क्लासिफिकेशन आपका किसके बेसिस पर था गुड्स और सर्विसेज का टोटल 45 क्लासेस थी 34 आपका गुड्स का था और 11 आपका सर्विसेज का था 1957 में इस एग्रीमेंट पर साइन किए गए और इसके जो मेंबर्स हैं वो है हमारे नाइनटी थ्री कंट्रीज इसके मेंबर हैं अगर हम बात करें इंडिया इसका मेंबर है जी हा इंडिया इसका मेंबर है ठीक है आगे चलते हैं लिस्बन एग्रीमेंट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ऑफ ओरिजिन एंड दियर इंटरनेशनल रजिस्ट्रेशन 1958 में इस एग्रीमेंट पर साइन हुए एक चीज यहां पर समझिए ये क्या है एपिलेशन ऑफ ओरिजिन देखिए एक होता है एपिलेशन ऑफ ओरिजिन दूसरा होता है जीआई ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ये दोनों चीजों में क्या डिफरेंस है ये जब हम लोग लिस्बन एग्रीमेंट पढ़ेंगे तब वहां पर इसको डिटेल में समझेंगे कि ये दोनों में बेसिकली डिफरेंस क्या है ये क्या चीजें होती हैं लिस्बन एग्रीमेंट की अगर हम बात करें तो आज की डेट में जो इसके मेंबर हैं वो कितने हैं थर्टी तीस कंट्रीज इसके मेंबर हैं इंडिया इसका मेंबर नहीं है लोकार्णो एग्रीमेंट का मेंबर इंडिया है एग्रीमेंट स्टैब्लिशिंग एंड इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन फॉर इंडस्ट्रियल डिजाइन आपको पता होगा क्लासिफिकेशन स्टैब्लिश किया गया जिसका नाम था लोकार्नो क्लासिफिकेशन उन्नीस में इस पर साइन हुए 1968 में इस एग्रीमेंट पर साइन हुए 62 कंट्रीज इसके मेंबर हैं बासठ जिसमें कि इंडिया भी इसका एक मेंबर है स्ट्रेसबर्ग एग्रीमेंट ये फ्रांस में एक सिटी है स्ट्रेसबर्ग एग्रीमेंट कंसर्निंग द इंटरनेशनल पेटेंट क्लासिफिकेशन अब ये एग्रीमेंट हुआ 1971 में इस पर साइन हुए जिसके बाद क्या स्टेब्लिश किया गया इंटरनेशनल पेटेंट क्लासिफिकेशन जो कि मैंने आपको बताया जिसका कि एथ एडिशन अभी आज की डेट में अवेलेबल है ठीक है तो इंटरनेशनल पेटेंट क्लासिफिकेशन बना इस एग्रीमेंट पर साइन कब हुए 1971 में इस एग्रीमेंट पर साइन हुए आज की डेट में टोटल जो इसके मेंबर है वो है 65 इंडिया इसका मेंबर है नहीं है रोम कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ परफॉर्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑफ फोनोग्राम्स एंड ब्रॉडकास्टिंग ऑर्गेनाइजेशन नाइनटीन सिक्सटी वन में इस कन्वेंशन पर साइन हुए आज की डेट में टोटल मेंबर्स हैं इसके 97 सेवन और इंडिया इसका मेंबर है जी हाँ इंडिया इसका मेंबर है नेक्स्ट है हमारा बर्न कन्वेंशन इंडिया इसका भी मेंबर है जेनेवा कन्वेंशन इसका भी मेंबर है बर्न कन्वेंशन की बात करें बर्न कन्वेंशन पर साइन कब हुए एटीन एट्टी सिक्स में ठीक है बर्न कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क 1886। अगर हम बात करें इसके मेंबर कितने हैं आज की डेट में 181 इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की शुरुआत जो ही है वो आपको पता होना चाहिए दो कन्वेंशन हुए थे पेरिस कन्वेंशन और दूसरा हमारा बर्न कन्वेंशन तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बर्न कन्वेंशन और पेरिस कन्वेंशन और भी इंपॉर्टेंट है लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसके साथ साथ आपका जो पेटेंट कॉपरेशन ट्रीटी है वो भी इंपॉर्टेंट है ट्रेडमार्क का ट्रीटी है वो भी इंपॉर्टेंट है तो क्या क्या इंपॉर्टेंट है ये तो हम नहीं बोल सकते हैं कि आपके लिए किस स्पेसिफिक के कि हमें सिर्फ यही पढ़ना पढ़ेंगे हम सब कुछ कि हम वो कुछ भी पूछ ले हम एग्जाम में करके आएंगे हाँ बस ये जरूर बोलेंगे बर्न कन्वेंशन पेरिस कन्वेंशन से तो शुरुआती हुई है तो ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट नेक्स्ट आता है जिनेवा कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ प्रोड्यूसर्स ऑफ फोनोग्राम्स अगेंस्ट अनऑथोराइज डुप्लीकेशन ऑफ दियर फोनोग्राम्स या फिर इसे जाना जाता है फोनोग्राम कन्वेंशन के नाम से भी तो जैसा कि मैंने आपको बताया यहां पर क्या था ए जिसे कि हेग एग्रीमेंट के नाम से भी जाना जाता है या हेक सिस्टम बोल सकते हैं ऐसे ही जिनेवा कन्वेंशन को इसका दूसरा नाम है फोनोग्राम कन्वेंशन 1971 में इस पर साइन हुए थे और आज की डेट में इसके जो मेंबर हैं वो है 81 कंट्रीज कितने इक्यासी कंट्रीज इसके मेंबर हैं इंडिया इसका मेंबर है जी हां बिल्कुल मेंबर है नेक्स्ट है डब्ल्यू कॉपीराइट ट्रीटीज इस पर साइन कब हुए नाइनटीन में इस पर साइन हुए हैं एक सौ कंट्रीज इसके मेंबर हैं इसका भी मेंबर है इंडिया परफॉर्मेंस एंड फोनोग्राम्स ट्रीटी डब्ल्यू पी पी टी उन्नीस सौ छियानवे में इस पर साइन हुए हैं एक सौ बारह कंट्रीज इसके मेंबर है ठीक है नेक्स्ट है हमारा डब्ल्यू आईपीओ कन्वेंशन वीएना एग्रीमेंट और उसके बाद है हमारा ट्रिप्स डब्लू आईपीओ कन्वेंशन आप सबको पता होगा डब्ल्यू आईपीओ के जितने हैं वो सब इसके मेंबर हैं इंडिया इसका मेंबर है जी हाँ 193 कंट्रीज एक सौ तिरानवे कंट्रीज वियएना एग्रीमेंट 1973 में इस पर साइन हुए जिसके बाद क्या बना वीएना क्लासिफिकेशन जिसका की नाइन ट्रेडिशन आ चुका है उन्नीस सौ तिहत्तर में इस एग्रीमेंट पर साइन हुए लेकिन एक्चुअली में ये लागू हुआ है नाइनटीन एट्टी फाइव में 1985 में वियना एग्रीमेंट लागू हुआ है ठीक है अब अगर हम मेंबर्स की बात करें इसके कितने मेंबर हैं वियना एग्रीमेंट 38 मेंबर्स हैं कितने मेंबर्स हैं 38 इंडिया ने इस पर भी साइन किया हुआ है इसका मेंबर है और सबसे लास्ट में आता है ट्रिप्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रिप्स ट्रेड रिलेटेड एक्सपेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ट्रिप्स एग्रीमेंट 1995 तो आपको पता होगा जिसके बारे में हमने ऑलरेडी अपना शायद सेवन्थ या एट्थ क्लास था जिसमें डिस्कस किया था डब्ल्यू के बारे में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वहीं पर मैंने आपसे ट्रिप्स के बारे में भी बात करी थी ट्रिप्स एक जनवरी उन्नीस को डब्लू का स्थापना हुई वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कब बना है फर्स्ट ऑफ जनवरी 1995 तो जब वो बना उस पर बहुत सारे एग्रीमेंट्स पर साइन हुए थे उसी में से एक था ट्रिप्स एग्रीमेंट तो ट्रिप्स एग्रीमेंट की शुरुआत भी हुई है लागू हुआ है एक जनवरी उन्नीस से और जितने कंट्रीज डब्लू के मेंबर हैं वो सारे के सारे कंट्रीज ट्रिप्स के भी मेंबर हैं यानी कि अगर हम बात करें आज की डेट में तो कितने मेंबर हैं डब्ल्यू के 164 164 कंट्रीज डब्ल्यू के मेंबर हैं और यही मेंबर्स ट्रिप्स एग्रीमेंट को भी फॉलो करते हैं इंडिया इसका मेंबर है यानी कि इसको फॉलो करता है अब हम टोटल काउंट कर लेते हैं कि जिस पर मैंने टिक किया हुआ है वो यानी कि इंडिया फॉलो करता है या उसका मेंबर है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन तो करेक्ट है आपका सोलह यानी कि सोलह का कन्वेंशन या ट्रीटीज को इंडिया फॉलो करता है आई होप यहां तक आपको चीजें कुछ हद तक क्लियर हो रही होंगी अब चलिए अब शुरुआत करते हैं एक एक ट्रीटीज को पढ़ना शुरू करते हैं देखिए सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आखिर हमें जरूरत क्यों पड़ी ट्रीटीज की सबको पता है भाई आप अगर इसको पढ़ लीजिए यहां पर लिखा हुआ है अराउंड द मिडल ऑफ ट्वेंटी सेंचुरी मेनी कंट्रीज बिकेम अवेयर ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ आईपी ईच कंट्री डिवाइज इट्स ओन लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क फॉर प्रोटेक्टिंग द लीगल राइट ऑफ द क्रिएटर्स ऑफ इनोवेशन इट टू अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन एंड कंट्रोवर्सीज द एम्बिगुटी इन द लॉज परटेनिंग टू इन्फ्रेंचमेंट exceptions to legal rights associated with IPs, variance in the period of IP protection, etc., resulted more often than not in bitterness among the creators of innovations. मतलब क्या हुआ देखिए हर country के अलग अलग rule थे हर country का अलग अलग act है सबके अलग अलग rules and regulations है तो उसमें क्या हुआ सबको confusion होने लगा कोई कह रहा है कि हमारे यहाँ ये पे मान लीजिए suppose एक कंट्री कह रहा है ट्रेडमार्क हमारे यहां पांच साल के लिए वैलिड है दूसरा कंट्री कह रहा है नहीं हमारे यहां तो दस साल के लिए वैलिड है एक कह रहा है हम आपको प्रोटेक्शन देंगे ट्वेंटी इयर्स के लिए दूसरा कह रहा है हम आपको सिर्फ फाइव इयर्स का प्रोटेक्शन देंगे तो इसकी वजह से क्या हुआ बहुत सारा कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ और उसके बाद हमें जरूरत किसकी पड़ी सो so फाइनली हमें जरूरत पड़ी कि कुछ ऐसे एग्रीमेंट्स या आपके ट्रीटीज होने चाहिए जो कि ग्लोबली साइन होने चाहिए और जिसको हर कंट्री फॉलो करे तो ऐसे ट्रीटीज और कन्वेंशन बनाए गए एग्रीमेंट्स हुए जिन पर साइन हुए जिसको कि इंटरनेशनली बनाया गया इंटरनेशनली ग्लोबली उनको अडॉप्ट किया गया और उसको इस तरह से डिजाइन किया गया इस तरह से उस पर साइन किया गया ताकि हर एक कंट्रीज वो सारे रूल्स रेगुलेशन को फॉलो कर सके तो ये लड़ाई झगड़ा जो था इसकी एक तरह से द एंड किया जा सके सो so यही सब कुछ यहां पर लिखा हुआ है आगे चलते हैं स्टार्ट करते हैं नंबर वन और मोस्ट इंपॉर्टेंट सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा ट्रीटी है पेरिस कन्वेंशन सब कुछ मैंने आपको ऑलरेडी यहां पर लिखा हुआ है एक एक करके समझते चलेंगे बहुत इजी है घबराना नहीं है पेरिस कन्वेंशन अठारह में इस पर साइन हुए 179 कंट्रीज हैं चलिए द कन्वेंशन वॉज कंक्लूडेड इन 1883 इन पेरिस फ्रांस टू एंश्योर द सिक्योरिटी ऑफ इंटेलेक्चुअल क्रिएटिविटी पेटेंट ट्रेडमार्क इंडस्ट्रियल डिजाइन यूटिलिटी मॉडल्स सर्विस मार्क्स ट्रेड नेम्स ज्योग्राफिकल इंडिकेटर इंडिकेशन एंड देआर रिप्रेशन ऑफ अनफेयर कम्पिटिशन देखिए, जो भी ट्रीटीज हुए हैं आपको पहली चीज तो ये जानना है कि इंडिया ने इस पर साइन किए कि नहीं किए दूसरा क्या जानना है इसके कितने मेंबर हैं तीसरा ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि कौन सा कन्वेंशन या ट्रीटी किस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए है तो पेरिस कन्वेंशन आप देखिए यहां पर पेटेंट के लिए भी है ट्रेडमार्क के लिए भी है इंडस्ट्रियल डिजाइन के लिए भी है पेरिस कन्वेंशन कंक्लूडेड इन एटीन एट्टी थ्री वॉज रिवाइज एट ब्रूसेस इन नाइनटीन हंड्रेड एट वॉशिंगटन इन उन्नीस सौ ग्यारह हेग में उन्नीस सौ पच्चीस लंदन नाइनटीन थर्टी फोर लिस्बन नाइनटीन फिफ्टी एट स्टॉक होम नाइनटीन सिक्सटी सेवन एंड वॉज अमेंडेड इन नाइनटीन सेवन टोटल आप देखेंगे यूनियन बना दिया जो की जितनी भी पेरिस कन्वेंशन की एक्टिविटीज है उनको देखेगा एज ऑफ नाउ दिस कन्वेंशन हैजन सेवेंटी नाइन कॉन्ट्रेक्टिंग कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया पेरिस कन्वेंशन के क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स है नेशनल ट्रीटमेंट राइट ऑफ प्रायरिटी कॉमन रूल्स नेशनल ट्रीटमेंट क्या है मतलब कि सपोज अगर एक मैंने साइन किए हैं मान लीजिए मैंने पेरिस कन्वेंशन को फॉलो किया मैंने रजिस्टर करा लिया अपना पेटेंट तो नेशनल ट्रीटमेंट का मतलब यह है कि फिर हर वो कंट्रीज या हर वो नेशन जिसने भी पेरिस कन्वेंशन पर साइन किए हुए हैं वहां पर भी मेरा जो पेटेंट है मेरा जो इन्वेंशन है या मेरा प्रोडक्ट है उसको वहां पर भी प्रोटेक्शन मिलेगा दिस इज नेशनल ट्रीटमेंट एवरी सिग्नेटरी कंट्री विल एक्सटेंड द सेम प्रोटेक्शन to the industrial property of the rest of the signatory countries as they provide to their nationals यही कहने का मतलब है कि हर कंट्री को जो भी इसका मेंबर है पेरिस कन्वेंशन का उसको सेम प्रोटेक्शन दिया जाएगा जो कि उसको हर जगह मिल रहा है मान लीजिए सपोज मेरा कोई प्रोडक्ट है मैंने उसको पेटेंट कराया पेरिस कन्वेंशन पर के थ्रू मैंने फाइल किया मैंने अपना उसको रजिस्टर करा लिया मुझे प्रोटेक्शन मिल गया तो मान लीजिए सपोज मैं इंडिया से बिलोंग करता हूं तो हर एक कंट्री को मुझे सेम प्रोटेक्शन दिया जाएगा ठीक है राइट ऑफ प्रायोरिटी क्या है द प्रोविजन दिस प्रोविजन फैसिलिटेट्स इन्वेंटर्स विद द प्रायोरिटी डेट ऑफ द इन्वेंशन ऑब्लिक क्रिएशन इफ एन एप्लीकेंट फाइल्स अ पेटेंट एप्लीकेशन इन हिस्स कंट्री विच इज अ सिग्नेटरी ऑफ द कन्वेंशन ही कैन फाइल द सेम इन्वेंशन इन एनअर कॉन्ट्रेक्टिंग कंट्री बाई क्लेमिंग द सेम प्रायोरिटी डेट मतलब इंडिया में मैंने फाइल किया ठीक है और मान लीजिए सपोज मैं किसी दूसरी कंट्री में कोई भी कंट्री मान लीजिए यूएस में भी मैं फाइल करना चाहता हूं तो क्योंकि अगर वो भी इसका जो ये पेरिस कन्वेंशन है इसका मेंबर है सिग्नेटरी कंट्री है तो जिस दिन से मैंने अपनी कंट्री में फाइल किया उसी दिन से मुझे प्रायोरिटी डेट मिल जाएगी दूसरी कंट्री में भी तो ये राइट्स हमें मिल जाते हैं ठीक है द एप्लीकेशन शुड बी फिल्ड विद विद इन ट्वेल्व मंथ्स फॉर पेटेंट्स एंड सिक्स मंथ्स फॉर इंडस्ट्रियल डिजाइन एंड ट्रेडमार्क्स ठीक है देखिए अब जो एप्लीकेशन जो हमें फाइल करना होगा हमने मान लीजिए सपोज आज की डेट में यहाँ पर अपने इंडिया में हमने एप्लीकेशन फाइल कर दिया अब उसके एक साल के अंदर अगर हमारा पेटेंट है तो 12 मंथ्स के अंदर एप्लीकेशन फाइल करना होगा कहां पर पेरिस कन्वेंशन के लिए और अगर इंडस्ट्रियल डिजाइन या ट्रेडमार्क है तो कितना सिक्स मंथ के अंदर अंदर फाइल करना होगा द एप्लीकेशन विल बी कंसिडर्ड एज इट वॉज फाइल्ड ऑन द वेरी सेम डे एज द फर्स्ट एप्लीकेशन तो तभी से कंसिडर की जाएगी जिस दिन आपने अपनी कंट्री में फाइल कर दिया यानी कि प्रायोरिटी डेट से आपका ये कंसिडर किया जाएगा तो जब आपने अपनी कंट्री में फाइल किया है अगर आप पेरिस कन्वेंशन के थ्रू चाहते हैं इसका वर्ल्ड वाइड ग्लोबली इसको प्रोटेक्शन मिले तो आपको एक साल के अंदर अगर पेटेंट है तो 12 मंथ के अंदर आपको एप्लीकेशन फाइल करना होगा अगर ट्रेडमार्क या इंडस्ट्रियल डिजाइन है तो आपको सिक्स मंथ्स के अंदर यह फाइल करना होगा इसके बाद आता है कॉमन रूल्स कॉमन रूल्स में क्या है दिस ट्रीटी हैज पुट इन प्लेस सर्टेन कॉमन रूल्स रिलेटेड टू इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी इन ऑल द कॉन्ट्रेक्टिंग कंट्रीज देख लेते हैं किसके लिए क्या क्या रूल्स हैं। पेटेंट ट्रेडमार्क इंडस्ट्रियल डिजाइन इंडिकेशन ऑफ सोर्स और जी आई पेटेंट्स क्या कह रहे हैं यहां पर पेटेंट ग्रांटेड इन डिफरेंट कॉन्ट्रेक्टिंग स्टेट फॉर द सेम इन्वेंशन आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कह रहे हैं पेटेंट ग्रांटेड इन वन कॉन्ट्रेक्टिंग कंट्री मे बी रिजेक्टेड इन अदर कॉन्ट्रेक्टिंग कंट्रीज एंड वाइस वर्सा मतलब ऐसा नहीं है कि आपने पेटेंट करा लिया तो आपको यह लग रहा है अब हमारा ये पेटेंट हो गया रजिस्टर हो गया पहले कन्वेंशन के थ्रू तो अब हम जहां चाहे हर कंट्री में उससे प्रोटेक्शन ले सकते हैं नहीं है, ऐसा नहीं है ये इंडिपेंडेंट है कुछ कुछ इन्वेंशन तो इसमें क्या होगा कि मान लीजिए सपोज आपने आज करा लिया और आपने बोला कि मैं इसको यूएस में दिखा सकता हूं मुझे ये भी मेरा वैलिड है ये प्रोटेक्ट protect, प्रोटेक्शन मुझे मिलेगा तो ऐसा नहीं है वो आपका रिजेक्ट भी हो सकता है इट मे बी रिजेक्टेड ठीक है दूसरा आता है ट्रेड मार्क्स ट्रेडमार्क्स के लिए क्या कह रहे हैं द रेगुलेशन ऑफ ट्रेड मार्क्स इन द रेस्पेक्टिव सिग्नेटरी कंट्री इज रेगुलेटेड एज पर द लेजिस्लेशन ऑफ दैट सिग्नेटरी कंट्री दीज आर नॉट रेगुलेटेड अंडर पेरिस कन्वेंशन बट द एक्सेप्टेंस एंड द रिजेक्शन ऑफ द ट्रेडमार्क कॉन्ट्रेक्टिंग कंट्रीज यहां पर भी वही चीज है देखिये क्या है बोल रहे हैं कि जो भी आपका ट्रेडमार्क होगा ये जिस सिग्नेटरी कंट्री में मान ली सपोज आपने अपनी कंट्री में किया हुआ है तो यहां का तो हमारा जो रूल्स रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग चलेगा लेकिन अगर दूसरी कंट्री का तो उसके अकॉर्डिंग चलेगा क्योंकि ये पेरिस कन्वेंशन के थ्रू रेगुलेटेड नहीं है तो मान लीजिए आपने यहां पर अपने इंडिया में इसको कराया ट्रेडमार्क को रजिस्टर और आप चाहते हैं कि अब आप हमने पेरिस कन्वेंशन के थ्रू कराया है नहीं क्योंकि पेरिस कन्वेंशन के थ्रू ये रेगुलेट नहीं होता है तो दूसरी कंट्री का जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको फॉलो किया जाएगा ट्रेडमार्क के लिए इंडस्ट्रियल डिजाइन में क्या कह रहे हैं प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल डिजाइन विल बी गिवन इन ईच कॉन्ट्रैक्टिंग कंट्री एंड विल नॉट बी रिजेक्टेड तो अगर इंडस्ट्रियल डिजाइन तो ये रिजेक्ट नहीं होगा ये हर कंट्री के लिए सेम रहेगा बिकॉज इट इज नॉट क्रिएटेड इन दैट रेस्पेक्टिव कंट्री ठीक है इंडिकेशन ऑफ सोर्स या जी हम बोल सकते हैं यह भी सेम चीज है क्या बोला है द इंडिकेशन ऑफ सोर्स और जी आई ऑफ गुड्स मस्ट बी प्रोटेक्टेड इन ईच कंट्री एंड अनऑथोराइज डिस्ट्रीब्यूशन मस्ट बी प्रोहिबिटेड टू सेव गार्ड द राइट ऑफ द क्रिएटर्स प्रोड्यूसर्स एंड ट्रेडर्स जी के लिए भी वही है क्योंकि जी एक, एक स्पेसिफिक लोकेशन पर होता है तो इसलिए यह भी आपका रिजेक्ट नहीं हो सकता हर कंट्री में आपको इसके लिए प्रोटेक्शन मिलेगा जो भी सिग्नेटरी कंट्रीज हैं नेक्स्ट है हमारा ट्रीटी ठीक है पहला हो गया आपका पेरिस कन्वेंशन पेरिस कन्वेंशन के बाद आता है हमारा पेटेंट देखिये ट्रीटी वॉज साइंडेड इनटीन सेवन इट वॉज मॉडिफाइड इन नाइनटीन एटी फोर एंड टू थाउजेंड वन देखिये ये क्या है पेटेंट कॉपरेशन ट्रीटी इट इज एन इफेक्टिव वे टू फाइल पेटेंट इन मेनी कंट्रीज विद वन एप्लीकेशन अच्छा एक चीज आपको और मैं आपको बता देता हूं देखिए ये क्या लिखा हुआ है यहां पर ये जो हमारा ये जो ट्रीटी है amended कब हुआ है 1979 में modify कब हुआ है 1984 और 2001 में अब आप बोलेंगे तो मॉडिफिकेशन ही तो एक तरह का अमेंडमेंट होता है ऐसा नहीं है नीचे लिखा हुआ है amendments refer to the changes in the terms and conditions कॉन्ट्रेक्ट आफ्टर एग्जीक्यूटेड बाय ऑल कॉन्ट्रेक्टिंग पार्टी वेयर हैज मोडिफिकेशन आर एनी चेंजेस आफ्टर द कॉन्ट्रेक्ट है मान लीजिए सपोज जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है या एग्रीमेंट है ठीक है उस पर सबने साइन कर दिया लेकिन अभी वो एग्जीक्यूट नहीं किया गया तो उसके बाद जो मॉडिफिकेशन होंगे उन्हें हम बोल सकते हैं मोडिफिकेशन कर दिया गया लेकिन अगर सपोज हमने उसके एग्जीक्यूट हो गया मतलब वो लागू हो गया कोई भी हमारा एग्रीमेंट और उसके बाद हमने उसके टर्म्स और कंडीशन में कुछ चेंजेस किए तो उसे हम क्या बोलेंगे वो हो जाएगा अमेंडमेंट अगर हमने चेंजेस मान लीजिए कि एग्जीक्यूट नहीं हुआ हमारा एग्रीमेंट सिर्फ उस पर साइन किए गए उसके बाद अगर हम चेंजेस करेंगे तो उसे हम बोलेंगे मॉडिफिकेशन लेकिन अगर एग्जीक्यूट हो गया है एग्रीमेंट हमारा तो हमें उसके कुछ चेंजेस करने हैं जैसे मान लीजिए टर्म्स एंड कंडीशन में कुछ चेंजेस करने हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे उसे बोलेंगे अमेंडमेंट ठीक है अमेंडेड हुआ है 1979 में मॉडिफाई हुआ है 1984 और 2001 में अब देखिए क्या है 157 आज की डेट में इसकी कंट्रीज हैं मेंबर्स हैं इसके इंडिया भी इसका मेंबर है इंपॉर्टेंट चीज जो जो है मैं आपको बताता चल रहा हूं ध्यान करते, ध्यान करते से देखते चलिएगा नोट्स बनाते चलिए इट इज एन इफेक्टिव वे टू फाइल पेटेंट्स इन मेनी कंट्रीज विद वन एप्लीकेशन एक ही एप्लीकेशन से आपका सब जगह काम हो जाता है द एप्लीकेंट टारगेट मोर देन वन कंट्री टू सिक्योर इज इन्वेंशन थ्रू अ सिंगल एप्लीकेशन विद इन ट्वेल्व मंथ अप्लाइंग इन द होम कंट्री आपने अपने यहां पर अप्लाई किया उसके बाद बारह महीने के अंदर आपको अप्लाई करना होगा सिर्फ एक सिम सिंगल एप्लीकेशन से आप कई सारी कंट्रीज में अपना जो भी आपका पेटेंट है इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं एक सौ सत्तावन कंट्रीज हैं ठीक है द एप्लीकेशन कैन बी फाइल्ड इन टू वेज विद द नेशनल पेटेंट ऑफिस ऑफ द कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट ऑफ विच द एप्लीकेंट इज अ नेशनल जैसे मान लीजिए सपोज इंडिया में या तो हम फाइल कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली हम डब्ल्यू का जो इंटरनेशनल ब्यूरो है जिनेवा में हम वहां पर फाइल कर सकते हैं ठीक है दो तरीके हैं अपनी कंट्री से भी हम फाइल कर सकते हैं यहां पर जो हमारा पेटेंट ऑफिस है हम वहां से जाकर के फाइल कर सकते हैं या फिर हमें लगेगा तो हम डब्ल्यू के ऑफिस से भी फाइल कर सकते हैं दोनों तरीके से हम फाइल कर सकते हैं आज की डेट में सपोज अगर हमने इंडिया में फाइल कर दिया तो आपको उसके 12 महीने के अंदर सिर्फ एक सिंगल एप्लीकेशन देना होगा और आप कई सारी कंट्रीज में आपको प्रोटेक्शन मिल जाएगा ये हमें मिलता है किसके थ्रू पेटेंट ट्रीटी 1970 के थ्रू जो कि लागू हुई है 1971 से ठीक है अब देखिए इसका फाइलिंग का प्रोसेस क्या है यह समझना बहुत जरूरी है बहुत इंपॉर्टेंट है अब देखिए इसमें हम आपको बताएंगे कि आपको अगर प्रोटेक्शन चाहिए अपने पेटेंट का तो उसके लिए क्या प्रोसेस है कैसे आप फाइल कर सकते हैं सबसे पहले आप या तो नेशनल लेवल पर या फिर इंटरनेशनल लेवल पर आप कहीं पर भी फाइल कर सकते हैं अपना एप्लीकेशन इसके बाद फाइल करने के बाद क्या होगा जो आपका रिसीविंग ऑफिस होगा वो आपका या तो नेशनल लेवल पर हो सकता है या फिर आपका इंटरनेशनल लेवल पर भी हो सकता है ठीक है वो चेक करेगा ये देखेगा कि ये आपका अवेलेबल है आईएसए के लिए अब आईएसए क्या है आईएसए है इंटरनेशनल सर्चिंग अथॉरिटी जो कि आपके डॉक्यूमेंट्स को स्क्रूटनी करता है एग्जामिन करता है ठीक है तो रिसीविंग ऑफिस क्या करेगा द रिसीविंग ऑफिस विल डिटरमाइन सबसे पहले क्या होगा आपको एक एप्लीकेशन फाइल करना होगा एप्लीकेशन फाइल करेंगे उसके बाद रिसीविंग ऑफिस विल डिटरमाइन द अवेलेबिलिटी ऑफ अ पर्टिकुलर आई यानी कि इंटरनेशनल सर्चिंग अथॉरिटी टू द एप्लीकेंट वेयर द इंटरनेशनल एप्लीकेशन हैज हैज बीन विद मेनी कंट्रीज टू फंक्शन एज है आईपीई ए अभी ये क्या है हम आगे आपको डिटेल में बताएंगे ठीक है रिसीविंग ऑफिस क्या करेगा चेक करेगा कि ये अवेलेबल है या नहीं है इंटरनेशनल सर्चिंग अथॉरिटी में अवेलेबल उसके बाद ये क्या करेगा आई एस ये क्या करेगा आपके डॉक्यूमेंट्स को स्क्रूटनी करेगा चेक करेगा कि ये पेटेंट किया जा सकता है या फिर नहीं किया जा सकता और उसके बाद ये एक रिपोर्ट सबमिट करेगा रिपोर्ट के बाद क्या होगा रिपोर्ट सबमिट करने के बाद ऑब्जेक्शन आएगा ऑब्जेक्शन के लिए उसके बाद फिर जो आपका एप्लीकेंट है उसको आपको एट्टीन मंथ्स का टाइम मिलेगा मतलब सपोज अगर मान लीजिए ऑब्जेक्शन आया अट्ठारह महीने के अंदर अंदर उसके बाद एप्लीकेंट को एक नोटिस दिया जाएगा अगर नहीं आया तब तो कोई बात नहीं है तब तो आगे का जो प्रोसेस है वो फर्दर आगे प्रोसीड किया जाएगा अगर सपोज एक ऑब्जेक्शन आ गया उसके बाद क्या होगा ऑब्जेक्शन चेक किया जाएगा अगर ऑब्जेक्शन आने के बाद जो एप्लीकेंट है इसको एक रिपोर्ट दी जाएगी कि ये ऑब्जेक्शन आया और इसको नोटिस दिया जाएगा और इससे फिर जवाब मांगा जाएगा रिस्पॉन्स पूछा जाएगा एप्लीकेंट का अगर इनका रिस्पॉन्स सेटिस्फेक्ट्री होता है तो जो हमारा एप्लीकेशन है ये आपका इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है पेटेंट स्कोप यहां पर पब्लिश कर दिया जाएगा यहां पर पब्लिश करने के बाद क्या होगा जिस कंट्री में मान लीजिए सपोज मैंने इंडिया से अप्लाई किया मैं चाहता हूं मुझे स्विट्जरलैंड में मुझे इसका प्रोटेक्शन मिल जाए तो यह पेटेंट स्कोप क्या है यह इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है डब्ल्यू के अंडर में आता है उसके बाद क्या होगा नेक्स्ट जो फेज आएगा हमारा वो आता है नेशनल फेज नेशनल फेज में क्या होगा पेटेंट स्कोप पर पब्लिश होने के बाद वो उस पर्टिकुलर कंट्री को जैसे सपोज आप स्विट्जरलैंड में प्रोटेक्शन चाहते हैं तो उनको कम्युनिकेट किया जाएगा उनको इन्फॉर्म किया जाएगा कि यह एप्लीकेशन आया है यह हमारे इसके थ्रू पीसीटी के थ्रू रजिस्टर हुआ है और जिस कंट्री में आप प्रोटेक्शन चाहिए उनको भेज दिया जाएगा तो यहां पर वही लिखा हुआ है नेशनल फेज में आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ द एप्लीकेशन इन पेटेंट स्कोप डब्ल्यू आईपीओ कम्युनिकेट्स द एप्लीकेशन टू द नेशनल पेटेंट ऑफिस वेयर ही वॉन्ट्स टू सीक प्रोटेक्शन The application enters the national phase usually within थर्टी months from the earliest filing date of the patent application. अभी क्या है कौन कौन से कितने मंथ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है आगे हम लोग डिस्कस करेंगे उससे पहले ये समझिए पेटेंट स्कोप क्या है पेटेंट स्कोप इज एन एक्सटेंसिव पेटेंट्स डेटा सर्च इंजन ऑफ डब्ल्यू आई पी ओ ठीक है सर्च इंजन है किसके लिए पेटेंट्स का सारा डेटा यहां पर रहता है तो आई एस ए जो इंटरनेशनल सर्चिंग अथॉरिटी क्या करते हैं यही सब तो करते हैं चेक करते हैं कि पेटेंट के लिए किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है और जब अगर हो जाता है सेटिस्फैक्ट्री रिस्पॉन्स मिल जाता है तो पेटेंट स्कोप में आपका पब्लिश कर दिया जा जाता जा है जा और उसके बाद उस पर्टिकुलर कंट्री को बता दिया जा जाता है अब अगर हम फीस की बात करें पीसी में अगर आपको फाइल करना है तो अगर आप एक नेचुरल पर्सन इंडिविजुअल हैं स्मॉल एंटिटी हैं स्टार्टअप है तो आपको फीस सबमिट करनी होगी पैंतीस और अदर्स के लिए आपका सत्रह हजार छः सौ रुपये ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अच्छा देखिए एक चीज और थी यहां पर मैं आपको अभी बता रहा था जो आपको आईएसए के बारे में जिसके बारे में हमने बात करी अगर मान लीजिए सपोज आपका डॉक्यूमेंट आईएसए से स्किप हो जाता है तो आप 22 महीने के अंदर जब से आपने एप्लीकेशन फाइल किया उसके 22 मंथ्स के अंदर अंदर आप एस में भी सबमिट कर सकते हैं अपना डॉक्यूमेंट एस क्या करेगा एस आई सी ए एस है सप्लीमेंट्री इंटरनेशनल सर्च अथॉरिटी एस आई सी ए prior द document प्रायर आर्ट डॉक्यूमेंट विच skipped बीन the इन द फर्स्ट आई अगर आपका स्किप हो गया वहां पर स्क्रूटनाइज नहीं कर पाया तो फिर आप बाईस महीने के अंदर फाइल कर दीजिए तो एसआईसीए उसको स्क्रूट नहीं करेगा दिस फैसिलिटी हैज बीन इंट्रोड्यूस बाय कंसिडरिंग द डायवर्सिटी ऑफ प्रायर इन डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड टेक्निकल फील्ड दिस कैन बी फाइल्ड आफ्टर ट्वेंटी टू मंथ्स ऑफ द फर्स्ट फाइलिंग डेट ऑफ द एप्लीकेशन ठीक है इंटरनेशनल प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन अथॉरिटी आईपीए ये क्या करता है एग्जामिन करता है एग्जामिन द प्रोबेबल पेटेंटेबिलिटी ऑफ द इन्वेंशन बाय यूजिंग द सेम स्टैंडर्ड्स ऑन विच द रिटर्न ओपिनियन ऑफ द आई एस ए वॉज मेड ठीक है ये एग्जामिन करेंगे बिफोर एंटरिंग द नेशनल फेज फीस मैंने आपको बता दिया द फी फॉर पेपर फाइलिंग फॉर अ नेचुरल पर्सन और स्टार्टअप ऑफ और स्मॉल एंटिटी कितनी है पैंतीस सौ रुपए अदर्स के लिए सत्रह हजार छह सौ अगर ई फाइलिंग करते हैं तो उसके लिए कोई फीस नहीं है अब देख लेते हैं क्या इसका प्रोसेस है पूरा एक फिगर के थ्रू आपको समझाना चाहता हूं देखिए आपका इन्वेंशन है सपोज आप क्या चाहते हैं इसका प्रोटेक्शन चाहते हैं आप एक एप्लीकेशन फाइल करेंगे कहां जाएगा वो रिसीविंग ऑफिस के पास रिसीविंग ऑफिस आपका पेटेंट ऑफिस इंडिया में भी हो सकता है या फिर आपका इंटरनेशनल ब्यूरो भी हो सकता है डब्ल्यू का उसके बाद वो क्या करेंगे वो भेजते हैं किसको वो भेजते हैं आईएसओ को आईएसओ क्या करेगा आईएसओ उसको सर्च करेगा देखेगा कि क्या ये पेटेंट के लिए एप्लीकेबल है या नहीं है आई एस ए से स्कीप हो जाएगा तो एसआईसी करेगा और उसके बाद आईपीए उसको एग्जामिन करेगा तो दोनों में फर्क ये समझिए आईएसए एसआई स्क्रूटनी करता है आपका जो डॉक्यूमेंट है उसको करता आईपीए उसको एग्जामिन करता है और उसके बाद क्या कर देता है आगे फर, फर्दर फॉरवर्ड कर देता है डब्ल्यू आईपीओ को डब्ल्यू आईपीओ क्या कर देता है उसको पब्लिश कर देता है कहां पर पेटेंट स्कोप पर पेटेंट स्कोप के बाद वो चला जाता है कहां पर नेशनल फेज में मतलब उस पर्टिकुलर कंट्री में जहां पर आपको प्रोटेक्शन चाहिए उनको कम्युनिकेट कर दिया जाता है अब ये तो हो गई बात हमारा इसका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस ये है अब यहां पर देखिए क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये डेट लिखी हुई है आपके सामने मंथ्स है इंपॉर्टेंट है यह आपके लिए जानना जरूरी है मंथ्स फ्रॉम प्रायोरिटी डेट ठीक है एप्लीकेशन फाइल्ड विद पेटेंट ऑफिस आपने आज फाइल किया प्रायोरिटी डेट मिल गया इसके बाद बारह महीने के अंदर ट्वेल्व मंथ्स के अंदर आपको इंटरनेशनल एप्लीकेशन फाइल करना होगा ठीक है पीसीटी रिसीविंग ऑफिस में ठीक है ट्रांसमिटल ऑफ आईएसआर एंड रिटर्न ओपिनियन ये भेज देता है किसको आईएसए को जो कि आपका चेक करता है स्क्रूटनी करता है ठीक है और उसके बाद क्या हो जाता है पब्लिकेशन ऑफ इंटरनेशनल एप्लीकेशन आईएसआर एंड रिटर्न ओपिनियन इसके बाद क्या हो जाएगा 16 महीने के मतलब 16 जैसे मान लीजिए सपोज आपने एप्लीकेशन फाइल किया इसके 12 महीने के अंदर आपको इंटरनेशनली फाइल करना होगा उसके बाद क्या होगा 16 महीने के अंदर ये जो है आपका ये चला जाएगा कहां पर आईएसआर के पास आई एस आर के पास फिर 18 मंथ्स के अंदर अंदर ये आपको पब्लिश करना होता है अगर मान लीजिए सपोज स्किप हो गया तो आपको यहां पर एक और ऑप्शन मिलेगा आप क्या कर सकते हैं एसआईसीए के पास भी इसको बेच सकते हैं और उसके बाद क्या होगा ये यहां से 28 मंथ्स के अंदर अंदर कहां पर चला जाएगा ये चला जाएगा एस आई एस आई और आई पी पर ठीक है ये देखिए क्या है अगर मान लीजिए ये ऑप्शनल यहां पर लिखा हुआ है ये ऑप्शनल है यहां से जब आपका एस आई स्क्रूटनी कर लेगा उसके बाद क्या हो जाएगा उसके बाद ये आपको पता है कहां चला जाता है ये चला जाता है पेटेंट स्कोप पे और उसके बाद फाइनली नेशनल फेज में कम्युनिकेट किया जाता है नेशनल्स को मतलब कि कंट्रीज को जहां पर आप प्रोटेक्शन चाहते हैं और वो जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो होता है थर्टी मंथ्स ठीक है थर्टी मंथस यहां तक आपको समझ में आ गया पीसीटी पूरा समझ में आ गया पेरिस कन्वेंशन हो गया पीसीटी हो गया एडवांटेजेस ऑफ पीसीटी देखिए द एप्लीकेंट हैज एडिशनल एटीन मंथस आफ्टर फाइलिंग इन द होस्ट कंट्री टू डिसाइड फॉर सीकिंग प्रोटेक्शन इन द फॉरन कंट्रीज अट्ठारह महीने और मिल जाते हैं ठीक है पीसीटी एप्लीकेशन कैन नॉट बी रिजेक्टेड ऑन फॉर्मल ग्राउंड एज इट हैज बीन वेरीफाइड विद रिटर्न एक्सप्लेनेशन क्योंकि अब ये तो ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया किसने आई एस ए ने रिटर्न ओपिनियन देते हैं तो इसका मतलब अब आप आपका ये रिजेक्ट नहीं किया जा सकता और ये आपको अट्ठारह महीने एक्स्ट्रा क्यों मिलते हैं यहां पर देखिए फिगर से बताया मैंने ये क्या आपने बारह महीने के अंदर आपको फाइल करना होता है उसके बाद तीस महीने तक आपको ये उस कंट्री में जहां पर चाहिए वहां तक थर्टी मंथ्स का टाइम ड्यूरेशन होता तो ये बारह से लेके और ये जो आपका थर्टी मंथ्स है ये टोटल कितना हुआ अट्ठारह महीने यानी कि ये एट्टीन मंथ्स एक्स्ट्रा मिल जाते हैं आपको प्रोटेक्शन के लिए

रिड्यूस ड्यू टू द इंटरनेशनल सर्च रिपोर्ट एंड द रिटर्न ओपिनियन अब क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी रिटर्न में वैलिड प्रूफ हो गया है तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा कम से कम टाइम में आपका पब्लिश हो जाएगा वर्ल्ड अबाउट द इन्वेंशन पूरी दुनिया को पता चलेगा की आपका ये इन्वेंशन ग्लोबली प्रोटेक्ट हो चुका है नेक्स्ट आता है हमारा पेटेंट लॉ ट्रिटी पी एल टी टू थाउजेंड कब साइन हुए इस पर दो हजार में साइन हुए और अगर हम बात करें कब से लागू हुआ है तो ये लागू हुआ है आपका 2005 से पी एल टी पेटेंट लॉ ट्रीटी अगर हम बात करें इसका इंडिया मेंबर है इसका इंडिया मेंबर नहीं है 2005 में ये लागू हुआ है पेटेंट लॉ ट्रीटी और इसके मेंबर कितने हैं ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ फोर्टी थ्री इसके मेंबर्स हैं द ट्रीटी वॉज साइंड इन टू थाउजेंड एट डब्ल्यू आईपीओ एंड केम इंटू फोर्स इन टू थाउजेंड फाइव द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द ट्रीटी वॉज टू सिंपलीफाई एंड हार्मोनाइज द प्रोसीजर एंड रिक्वायरमेंट्स टू फाइल अ पेटेंट एप्लीकेशन इन मैनी सिग्नेटरी कंट्रीज तो बेसिकली ये ट्रीटी क्यों साइन की गई ताकि और सिंपलीफाई कर सके हम पेटेंट एप्लीकेशन को दिस ट्रीटी फैसिलिटेटेड टू फाइल अ पेटेंट एप्लीकेशन विद मिनिमल रिक्वायरमेंट दी एल टी पेटेंट लॉ ट्रीटी ऑल्सो रिजल्टेड इन मेकिंग द पेटेंट फाइलिंग प्रोसेस ईजी एंड लेस एक्सपेंसिव ठीक है द मेन फीचर्स आप देख लीजिए नो फॉर्मल प्रोसीजर टू फाइल अ पेटेंट कोई फॉर्मल प्रोसीजर नहीं है द फर्स्ट एलिमेंट रिसीव फ्रॉम द एप्लीकेंट विल बी एज द एप्लीकेशन फॉर द इन्वेंशन कॉन्टेक्ट डिटेल्स ऑफ द एप्लीकेंट टू कॉन्टेक्ट एंड आइडेंटिफाई हिम ये सारी चीजें आपको देनी होती है अ पार्ट अबाउट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द इन्वेंशन एन एप्लीकेंट कैन फाइल अ सिंगल एप्लीकेशन फॉर मेनी इन्वेंशन पीएलटीज ओपन टू कॉन्ट्रेक्टिंग पार्टीज ऑफ द पेरिस कन्वेंशन एंड मेंब्ल्यू आईपीओ मतलब कि इन सभी के लिए ओपन है द एप्लीकेट हैज द चॉइस टू फाइल अ पेटेंट इलेक्ट्रॉनिकली और इन पेपर फॉर्म तो आपको एक चीज समझ में आ गई ये किस लिए हुआ ये ये बेसिकली हमें क्या करना था सिर्फ और सिर्फ जैसे हमारा पीसीटी है उसका काफी लंबा प्रोसेस है थर्टी मंथ्स लगते हैं इसका क्या है इसका हमें मिनिमम रिक्वायरमेंट्स होता है मिनिमम रिक्वायरमेंट्स आपको देनी होती है और सिर्फ एक एप्लीकेंट से एक एप्लीकेशन से ही आपका कई सारी कंट्रीज में आपको प्रोटेक्शन मिल जाता है बस टिल नाउ फोर्टी थ्री सिग्नेटरी कंट्रीज आर पार्टी टू दिस ट्रीटी इंडिया इज नॉट अ सिग्नेटरी टू दिस ट्रीटी इंपॉर्टेंट है ध्यान रखिएगा ठीक है पेटेंट लॉ ट्रीटी 43 मेंबर्स हैं और इंडिया इसका मेंबर नहीं है नेक्स्ट आया हमारा ट्रेडमार्क लॉ ट्रीटी टी 1994 इंडिया इसका भी मेंबर नहीं है कंट्रीज कितने हैं इसके टोटल 54 कंट्रीज मेंबर है अब देखिए एक चीज समझिए हम बात किसकी कर रहे थे अभी तक जो भी हमने बात करी है इसके पहले पेरिस कॉपरेशन सॉरी पेरिस बोल रहा हूँ पेटेंट ऑपरेशन ट्रीटी 1970 पेटेंट की बात थी पेटेंट लॉ ट्रीटी 2000 पेटेंट की बात है अब आ गई ट्रेडमार्क लॉ ट्रीटी तो ऑब्वियस है किसकी बात होगी ट्रेडमार्क की 1994 में इस पर साइन हुए चौवन कंट्रीज इसके मेंबर हैं दिस ट्रीटी वॉज साइंडीन इन फोर इन जेनेवा टू सिंपलीफाई एंड हार्मोनाइज द प्रोसीजर ऑफ फाइलिंग ट्रेड एंड सर्विस मार्क्स इन सिग्नेटरी कंट्रीज अ टोटल ऑफ फिफ्टी कंट्रीज एक्सक्लूडिंग इंडिया इंडिया इसका मेम्बर नहीं है आर सिग्नेटरी टू दिस ट्रिटी रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर इज ईजी एंड कॉस्ट इफेक्टिव रिक्वायरमेंट्स देखिये क्या आर रिक्वेस्ट फॉर रजिस्ट्रेशन नेम एंड एड्रेस अदर इंडिकेशन कंसर्निंग द एप्लीकेट आर रिप्रेजेंटेटिव एक एजेंट चाहिए होता है टू डील विद इशू रिलेटेड टू रजिस्ट्रेशन वेरियस इंडिकेशन कंसर्निंग द मार्क द गुड्स एंड सर्विस फॉर विच रजिस्ट्रेशन इज शॉट आर क्लासिफाइड इन रेलिवेंट क्लास ऑफ नाइस क्लासिफिकेशन मतलब कि अगर आप इस ट्रीटी के तहत अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर कराना चाहते हैं तो एक चीज पर है वो है वो ये ये कि नाइस क्लासिफिकेशन को फॉलो करते हैं डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंशन टू यूज द मार्क सिंगल एप्लीकेशन कैन बी फाइल्ड फॉर कवरिंग मल्टीपल क्लासेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मतलब कि जैसा कि मैंने आपको बताया नाइस क्लासिफिकेशन में टोटल फोर्टी फाइव क्लासेज है आपका है ना तो आपका 34 तो गुड्स का है बाकी सर्विसेज का है तो हर एक क्लास में अगर आपको मान लीजिए आपको प्रोटेक्शन चाहिए तो हर एक क्लास के लिए अलग अलग आपको एप्लीकेशन फाइल करना पड़ता है लेकिन इसके तहत आपको सिर्फ एक ही एप्लीकेशन सिंगल एप्लीकेशन देना होगा और मल्टीपल क्लास आपका गुड्स और सर्विसेज का कवर कर लेगा ठीक है चेंजेस आफ्टर रजिस्ट्रेशन देखिए क्या है ये अ प्रोविजन हैजीन मेड टू चेंज द नेम एड्रेस एंड ओनरशिप ऑफ द रजिस्ट्रेशन सिंगल एप्लीकेशन फाइल टू मेक द चेंजेस अपड्रेड मतलब कि आपका रजिस्ट्रेशन हो गया उसके बाद आप चेंजेस करा सकते हैं ये एक इसका एडवांटेज है यहाँ पर और आप कितने चेंजेस करा सकते हैं हंड्रेड चेंजेस आप करा सकते हैं रजिस्ट्रेशन होने के बाद भी कितना इसका आपका वैलिडिटी रहता है वो आप देख सकते हैं द टी प्रोवाइड एन इनिशियल टेन ईयर टर्म दस साल का प्रोटेक्शन आपको मिलता है विच कैन बी एक्सटेंडेड फर्दर फॉर टेन ईयर बाई पेइंग द रिन्यूअल फीस ठीक है ट्रेडमार्क लॉ ट्रिटी हो गया हमारा आगे आपको समझ में नेक्स्ट आता है बुडापेस्ट ट्रीटी इंडिया इसका मेंबर मेंबर है है जी बिल्कुल ट्रीटी ऑन इंटरनेशनल रिकॉग्निशन ऑफ द डिपॉजिट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर ऑर्गेनिज्मीन सेवनटी सेवन बुडापेस्ट ट्रीटी का मेंबर हमारा देश है बिल्कुल है और आज की डेट में एट्टी एट कंट्रीज इसके मेंबर है दिस ट्रीटी एड्रेसेस द इशू रिगार्डिंग द सेफ डिपॉजिट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो जो आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि आपके बैक्टीरिया हो गए फंगाई हो गए ईस्ट हो गया ये सब जो होते हैं इनका सेफ डिपॉजिट डिपोजिट किया जा सके उसके लिए स्ट्री टी पर साइन हुआ फॉर विच द पेटेंट हैज बीन ग्रांटेड इनवॉल्व द यूज ऑफ अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर कोई ऐसा इन्वेंशन है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज हो रहा है तो क्या बोला जा रहा है अ कल्चर ऑफ द माइक्रोब हैज टू बी डिपॉजिटेड इन अ सर्टिफाइड इंटरनेशनल डिपॉजिटरी कल्चर कलेक्शन सेंटर में वो आपका डिपॉजिट किया जाना चाहिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंडिया में दो ऐसे हमारे डिपॉजिटरीज हैं नंबर वन एन नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंसेज ये आपका पुणे में है दूसरा है हमारा आई एम टेक यानी कि सी का है सी एस इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रो बायोटेक्नोलॉजी आई एम टेक चंडीगढ़ तो यहां पर बोला गया है इंडिया हैज़ टू कल्चर डिपॉजिटरीज अप्रूव्ड अंडर बुडापेस्ट ट्रीटी विच कैन एक्सेप्ट एंड स्टोर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रिलेटेड टू बैक्टीरिया फंगाई प्लाज्मेट्स एंड ईस्ट ठीक है ये है हमारा बुडापेस्ट ट्रिटी अगर आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो इंडिया में बुडापेस्ट ट्रिटी ने दो सेंटर्स अप्रूव किए हुए हैं एक आपका एनसीसीएस है पुणे में दूसरा आपका सी एस टेक है चंडीगढ़ में जहां पर आप अपने माइक्रो ऑर्गेजम्स को स्टोर कर सकते हैं नेक्स्ट आता है हमारा ट्रेडमार्क के ऊपर सिंगापुर ट्रीटी ऑन द लॉ ऑफ ट्रेडमार्क किसके ऊपर है ट्रेडमार्क के ऊपर इंडिया इसका मेंबर है नहीं है 2006 में इस ट्रीटी पर साइन हुए 2009 में इसको लागू किया गया और आज की डेट में इसके जो मेंबर है वो है 54 यानी कि चौवन कंट्रीज इसके मेंबर में सिंगापुर ट्रीटी वॉज साइंड केम इन टू फोर इन टू थाउजेंड नाइन द पर्पज ऑफ दिस ट्रीटी वॉज टू क्रिएट टू स्मूथ इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन इट हैज वाइडर स्कोप देन द ट्रेडमार्क लॉ ट्रीटी ट्रेडमार्क लॉ ट्रीटी अभी आपने पढ़ा उससे ज्यादा देखिए क्या होता है हर एक ट्रीटी में कुछ ना कुछ मान लीजिए सपोज आपका कुछ डिसएडवांटेज होते हैं तो उसके बाद क्या होता है उसके बाद फिर नया एक और ट्रीटी साइन होता है मतलब बेसिकली मॉडिफिकेशन उसमें किए जाते हैं और किए जाते हैं अमेंडमेंट्स किए जाते हैं और उसके बाद देखा जाता है कि हाँ जितना से ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इन्वेंटर्स को क्रिएटर्स को इसका बेनिफिट मिल सके उसके लिए और हमारे ट्रीटीज बनाए जाते हैं जैसे कि पहले ट्रेडमार्क लॉ ट्रीटी था आप सबको पता उसके बाद सिंगापुर ट्रीटी भी आया तो क्यों आया ये, इसकी क्या जरूरत पड़ी इसकी इसलिए जरूरत पड़ी कि हम ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन को और सिंपल कर सके ठीक है अब देखिए आगे क्या कह रहे हैं एनी टाइप ऑफ ट्रेडमार्क कैन बी रजिस्टर्ड अंडर द सिंगापुर ट्रीटी होलोग्राम्स को भी आप रजिस्टर करा सकते हैं थ्री डायमेंशनल मार्क कलर पोजिशन मूवमेंट मार्क एज वेल एज द नॉन विजिबल मार्क्स सच एज साउंड और फैक्ट्री और टेस्ट एंड फील मार्क्स ये भी आप रजिस्टर करा सकते हैं अंडर सिंगापुर ट्रीटी ज द टाइम लिमिट ऑफ एन एक्शन ट्रेड मार्क रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर ऑफ मल्टी क्लास रजिस्ट्रेशन ट्रेडमार्क इंक्लूडेड क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज बेस्ड ऑन नाइस क्लासिफिकेशन तो एक चीज यहां पर यह समझ में आ गई कि ये भी नाइस nice क्लासिफिकेशन को फॉलो करते हैं ठीक है तो मतलब अगर आपको रजिस्टर कराना अपना ट्रेडमार्क तो आपको जो गुड्स या सर्विसेज जो बताने होंगे वो कहां से बताने होंगे नाइस क्लासिफिकेशन वाले ठीक है वही आपको क्लासेस बताने होंगे नेक्स्ट आता है वॉशिंगटन ट्रीटी जिसके बारे में हमने आपको पहले बताया इंडिया इसका मेंबर था लेकिन आज की डेट में ट्रीटी लागू नहीं है 1989 पर इस पर साइन किए गए थे ये ट्रीटी लागू नहीं है सिर्फ पढ़ लेते हैं जानना जरूरी है इन 1989 अ कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन वाशिंगटन डीसी यूएसए टू अडॉप्ट ट्रीटी ऑन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स आईपीआईसी रिलेटेड है आईपीआईसी इंटीग्रेटेड सर्किट ठीक है एंड ऑल्सो सजेस्टेड दैट लेआउट डिजाइन ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स शुड बी कंसिडर्ड एज अ सेपरेट फील्ड इन द डोमेन ऑफ आईपी प्रोटेक्शन दिस ट्रिटी हैज बीन इनकार ट्रिप्स एग्रीमेंट जो की हम आगे पढ़ेंगे सब्जेक्ट टू अफ मॉडिफिकेशन इंक्लूडिंग आईपी प्रोटेक्शन टू बी एक्सटेंडेड टू टेन ईयर

डिज़ाइंस ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स इंडिया इज अम्बर ऑफ दिस ट्रीटी एंड ऑल्सो फार्मूलेटेड सेमी कंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट्स ले आउट डिजाइन एक्ट टू थाउजेंड जैसा कि इसको हम ऑलरेडी अपनी क्लास में पढ़ चुके हैं एस आई सी एल डी एक्ट वाशिंगटन ट्रीटी के बाद इंडिया उसका मेंबर था और उसके बाद इन्होंने ये एक्ट बनाया ट्रिप्स के एग्रीमेंट को फॉलो करते हुए ये एक्ट बनाया गया इंडिया ने दो हजार में इस एक्ट को बनाया लागू किया और अगर हम बात करें आज की डेट में यह ट्रीटी लागू नहीं है क्यों क्योंकि ट्रिप्स एग्रीमेंट में इसको इनकॉर्पोरेट कर दिया गया है ठीक है तो जब ट्रिप्स एग्रीमेंट पढ़ेंगे तब थोड़ा और डिटेल में समझेंगे नेक्स्ट आता है बीजिंग ट्रीटी ऑन ऑडियो विजुअल परफॉर्मेंस 2012 आज की डेट में इसके कितने मेंबर हैं 47 सेवन मेंबर है से, इंडिया इसका मेंबर नहीं है अब देखिये ये किस लिए आया है बीजिंग ट्रीटी इन ऑर्डर टू इंसेंटिवाइज ऑडियो विजुअल आर्टिस्ट डिप्लोमैटिक कॉन्फ्रेंस ऑन बीजिंग ट्रिटी ऑन ऑडियो विजुअल परफॉर्मेंस वॉज हेल्ड इन बीजिंग ऑन बीस से छबीस जून दो हजार बारह दिस ट्रीटी डिक्लेयर आईपी राइट फॉर परफॉर्मेंस इन ऑडियो विजुअल परफॉर्मेंस तो एक चीज आपको ध्यान रखनी है ये ट्रीटी किसके लिए आई है ऑडियो विजुअल ऑडियो विजुअल परफॉर्मेंस इसलिए द ड्यूरेशन ऑफ द प्रोटेक्शन इज फिफ्टी ईयर्स इंपॉर्टेंट है ध्यान रखिएगा कितना ड्यूरेशन है फिफ्टी ईयर्स ठीक है कौन कौन से राइट्स मिलते हैं इकोनॉमिक राइट्स भी मिलते हैं मॉरल राइट्स भी मिलते हैं इकोनॉमिक राइट्स में क्या मिलता है द राइट ऑफ रिप्रोडक्शन द राइट ऑफ राइट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन राइट ऑफ रेंटल एंड राइट ऑफ मेकिंग मॉरल राइट्स इंक्लूड द राइट टू ऑब्जेक्ट टू एनी डिस्टोर्शन इन द मटीरियल विच द रेपुटेशन ऑफ द राइटफुल होल्डर मतलब अगर आपने छिड़खानी करी तो इनको ये राइट्स मिल जाता है कि ये आपके अगेंस्ट में केस कर सकें द लिमिटेशन एंड एक्स ऑफ ट्रीटी आर द सेम एज एजन इन बर्न कन्वेंशन 1886 वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे ठीक है बीजिंग ट्रीटी किसके लिए था ऑडियो विजुअल परफॉर्मेंसेज के लिए माराकेश वीआईपी ट्रीटी यानी कि मोरक्को में है ये द माराकेश वीआईपी ट्रीटी इज अ ट्रीटी ऑन कॉपी किसके लिए है ट्रीटी कॉपी ठीक है जरूर पता रखिएगा कौन सा ट्रीटी किस इंटलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए है अगर हम बात करें इंडिया इसका में जी हाँ बिल्कुल है और आज के डेट में कितने इसके कंट्रीज हैं कितने में द मराकेश वी आई पी ट्रीटी इज ट्रीटी ऑन कॉपी राइट दिस ट्रीटी केम इन टू एक्सिस्टेंस आफ्टर सीरियस टॉक्स ऑब्लिक डिस्कशंस हेल्ड इन माराकेश मोरक को ऑन अट्ठाइस जून दो हजार तेरह द ट्रीटी ऑपरेशनल ऑन तीस सितंबर दो हजार सोलह ठीक है दो हजार तेरह में साइन किया गया लेकिन लागू कब से हुई September 2016. The goal of the treaty is societal and humanitarian in nature. It provides legally recognized exceptions to copyrights for the creation of accessible versions of reading and printing material for blind, visually impaired, or otherwise print disabled persons. Uh, all members of WTO are eligible to adopt this. फर्स्ट कंट्री टू रेटिफाई दिस ट्रिटी दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पहला इंडिया हमारा कंट्री था जिसने इस ट्रिटी को रेटिफाई किया है ठीक है इंडिया नाइन्टी थ्री मेंबर्स है इंडिया इसका भी मेबर है माराकेश वी आई पी ट्रिटी अगला आता है नेरोबी ट्रिटी ये किस लिए बना था यह बना था जो आपको ओलंपिक सिंबल है ये आपके सामने है स्क्रीन पर ये ओलंपिक सिंबल ये फाइव जो रिंग्स हैं इनके प्रोटेक्शन के लिए क्या आया है नेरोबी ट्रीटी आया 1981 में इस ट्रीटी पर साइन हुए 55 कंट्रीज ये 37 नहीं है 55 कंट्रीज है आज की डेट में इसके मेंबर हैं द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होल्ड्स द राइट ऑफ द ओलंपिक सिंबल किसके पास है ओलंपिक सिंबल के राइट्स इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी आईओसी के पास To prevent the misuse of an Olympic symbol, a treaty was signed in Nairobi in 1981, which came into force on 25 September 1982. kabse gayi 1982. September 1982. Total of 55 countries, including India, is a signatory of the treaty. The mainstay of the treaty recommends that all states accepting the Nairobi treaty are mandated to protect the Olympic symbol, five interlaced rings. for its misuse for commercial purpose without the official consent of IOC International Olympic Committee matlab jo bhi iske countries hain unko ye bola gaya is treaty ke तहत ki aapko ye protect karna hoga ki iska koi bhi commercial use na kar paye इसके लिए किस पर sign हुए Nairobi treaty पर ठीक है 1981 में आई थी 55 countries इसके member हैं next आता है Brussels convention 1974 में इस पर साइन हुए और टोटल 39 कंट्रीज इसके मेंबर हैं किसके लिए आया ये ब्रुसेल्स कन्वेंशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोग्राम कैरिंग सिग्नल्स ट्रांसमिटेड बाय सैटेलाइट्स अब देखिए द कन्वेंशन जॉइंटली ऑर्गेनाइज्ड बाय यूनेस्को एंड डब्ल्यूआईपीओ इन नैरोबी 1973 जुलाई से 11 जुलाई तक ये आपका हुआ किसने ऑर्गेनाइज किया था यूनेस्को और डब्ल्यू आई पी ओ ने ब्रूसर्स कन्वेंशन डेलीबरेटेड ऑन द प्रॉब अराइजिंग इन द फील्ड ऑफ कॉपी राइट प्रोटेक्शन ऑफ परफॉर्मेंस राइट प्रोड्यूसर्स ऑफ फोनोग्राम्स एंड ब्रॉडकास्टिंग ऑर्गेनाइजेशन देखिए किसके लिए था कॉपी राइट परफॉर्मर्स राइट प्रोड्यूसर्स ऑफ फोनोग्राम्स एंड ब्रॉडकास्टिंग ऑर्गेनाइजेशन इनके लिए क्या हुआ था ब्रूसर्स कन्वेंशन पर नाइनटीन सेवेंटी थ्री में साइन हुए थे 1974 में फोर ऑफिशियली लागू हुआ द सेलियंट फीचर ऑफ द ब्रूसर्स कन्वेंशन रिक्वायर्स दैट ईच कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट जो भी इसके मेंबर हैं जितने भी इसके मेंबर हैं ब्रूसर्स कन्वेंशन के कितने 39 मस्ट टेक एडिक्वेट स्टेप्स टू अवॉइड द अनलॉफुल डिस्ट्रीब्यूशन अनलॉफुल डिस्ट्रीब्यूशन ऑन ऑब्लिक फॉर्म फ्रॉम इट्स टेरिटरी ऑफ एनी प्रोग्राम कैरिंग सिग्नल ट्रांसमिटेड बाई अ सेटेलाइट मतलब कि कोई ऐसा प्रोग्राम जो कि आपका सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा है सेटेलाइट के थ्रू और उसका यूज किया जा रहा है अगर कोई भी ऐसा प्रोग्राम है तो जितने इसके मेंबर कंट्रीज हैं आपको इसका अनऑथराइज या अनलॉफुल डिस्ट्रीब्यूशन को रोकने के लिए जरूरी कदम उठाने होंगे ये कहता है ब्रूसेल्स कन्वेंशन ठीक है चलिए मेड्रिड एग्रीमेंट कंसर्निंग द इंटरनेशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ मार्क्स एंड द प्रोटोकॉल रिलेटिंग टू दैट एग्रीमेंट देखिए दो है मेड्रिड एग्रीमेंट और मेड्रिड प्रोटोकॉल प्रोटोकॉल के कितने मेंबर्स हैं 114 इंडिया इसका मेंबर है जी हा एग्रीमेंट के कितने मेंबर्स हैं 55 इंडिया इसका मेंबर है नहीं है ठीक है अट्ठारह में हुआ था मेड्रिड एग्रीमेंट वाज कंक्लूडेड इन द ईयर 1891 फॉर द इंटरनेशनल प्रोटेक्शन ऑफ ट्रेड मार्क्स आई होप आपको जो भी मैं बताता चल रहा हूं आपको पता चल रहा होगा कि कौन सा ट्रीटी किसके लिए है ट्रेडमार्क के लिए मैटेड एग्रीमेंट द एग्रीमेंट है एग्रीमेंट क्या आपको पता है मैटेड एग्रीमेंट कब कब सात बार इसका अमेंडमेंट हो चुका नाइनटीन हंड्रेड में 1911 में 1911 में इसके बाद उन्नीस फिर चौतीस नाइनटीन ट्वेंटी

तो मेड्रिड सिस्टम में जो प्रोटोकॉल आया वो किस लिए आया ताकि हम जो लो इनकम वाली कंट्रीज हैं उनके लिए हम इस सिस्टम को और फ्लेक्सिबल बना सके आज की डेट में टोटल 114 कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया आर पार्टी टू मेड्रिड प्रोटोकॉल पार्टी मतलब कि उसका मेंबर है इनिशियली द प्रोटेक्शन विल बी ग्रांटेड फॉर टेन ईयर्स बट एक्सटेंडेबल फॉर अ फर्दर टेन ईयर्स बाय पेइंग द रिन्यूअल फीस तो ट्रेडमार्क आप रजिस्टर कराएंगे तो कितने साल का प्रोटेक्शन मिलेगा टेन ईयर्स का और इसके बाद फिर आप दस साल के लिए इसको आगे फर्दर रिन्यू करा सकते हैं रिन्यूअल फीस दे के द रजिस्ट्रेशन ऑफ क्लासेस अंडर गुड्स एंड सर्विसेज मे फ्रॉम कंट्री टू कंट्री द मेन एडवांटेज ऑफ मेड्रेस लाइज इन बीज लेस एक्सपेंसिव एंड लेस टाइम कंज्यूमिंग एज द प्रोटेक्शन कैन बी सॉड बाई अ सिंगल एप्लीकेशन विद अ सिंगल सेट ऑफ फी एक बार फीस लगेगी एक सिंगल एप्लीकेशन देना होगा आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर हो जाएगा ठीक है ये किसकी हमने बात करी मैड्रिड एग्रीमेंट और मैड्रिड प्रोटोकॉल की ठीक है आगे चलिए देखते हैं इसको हमें कैसे इसका क्या प्रोसेस है और क्या हमें फाइल करने का तरीका है इंटरनेशनल एप्लीकेशन फाइलिंग प्रोसीजर एंड रिक्वायरमेंट्स किसकी बात कर रहे हैं मेड्रिड सिस्टम की मेड्रिड सिस्टम द एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन कैन बी फाइल्ड बाय एनी इंडिविजुअल और एनी एंटिटी सब्जेक्ट टू प्रूफ ऑफ डोमिसाइल और नेशनैलिटी ऑफ द कॉन्ट्रेक्टिंग कंट्री ऑफ द एग्रीमेंट और द प्रोटोकॉल ठीक है या तो एग्रीमेंट का मेंबर होना चाहिए या फिर प्रोटोकॉल का तो इंडिया हमारा प्रोटोकॉल का मेंबर है फर्स्ट एट द ऑफिस ऑफ द ओरिजिन द ऑफिस विल देन प्रेजेंट द एप्लीकेशन टू द इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ डब्ल्यू एप यू आपको अपनी कंट्री में सबमिट करना होगा एप्लीकेशन वो कहा जाएगा डब्ल्यू आई पीओ को वंस द एप्लीकेशन इज रिसीव्ड द ब्यूरो एग्जामिंस द एप्लीकेशन टू चेक द रिक्वायरमेंट्स एज पर द प्रोटोकॉल और रेगुलेशन ठीक है ब्यूरो चेक करेगा अगर कोई भी डिस्क्रिपेंसी नहीं आती है तो वो क्या करेगा उसको रिकॉर्ड कर लेगा इफ नो डिस्क्रिपेंसीज आर फाउंड द इंटरनेशनल ब्यूरो विल रिकॉर्ड द मार्क इन द रजिस्टर देन द रजिस्टर मार्क विल बी पब्लिश्ड द इंटरनेशनल रजिस्ट्रेशन इन डब्ल्यू आई पी ओ गेजेट ऑफ इंटरनेशनल मार्क्स द ब्यूरो विल नोटिफाई द डेजिग्नेटेड कंट्रीज इफ द मार्क इज इन कंफ्लिक्ट विद ऑलरेडी रजिस्टर्ड मार्क इन दट कंट्री और कॉन्ट्राडिक्टी विद द नेशनल रॉ अब देखिए क्या होगा आपने एप्लीकेशन दिया एप्लीकेशन जाएगा कहां पर डब्ल्यू आईपीओ के पास वो रिसीव करेगा चेक करेगा ब्यूरो आपका एक एक चीज अगर मान लीजिए कुछ भी नहीं मिलता तो वो क्या करेगा उस मार्क को रजिस्टर कर देगा और उसको पब्लिश कर देगा कहां पर डब्लू आईपीओ का गैजेट है जो कि आपका इंटरनेशनल मार्क्स का वहां पर पब्लिश कर देगा उसके बाद वो ब्यूरो क्या करेगा हर जहां पर जिस कंट्री में आपको चाहिए प्रोटेक्शन वहां पर उनको नोटिफाई करेगा कि ऐसा तो नहीं है देख लो ये जो मार्क आया है रजिस्ट्रेशन के लिए क्या ऐसा तो नहीं ऑलरेडी रजिस्टर्ड है या कुछ इसका

ऑफिशियल जर्नल नहीं आया कोई भी किसी भी तरह का ऑब्जेक्शन तो वो क्या करेंगे एक आपको स्टेटमेंट आपका इशू कर देंगे कि आपको प्रोटेक्शन दिया जा रहा है और ऑफिशियल जर्नल में वहां पर आपका पब्लिश कर दिया जाएगा द एप्लीकेंट विल मार्क द सिलेक्शन ऑफ कंट्रीज वेयर ही वॉन्ट्स टू सिक्योर द राइट्स ओवर द ट्रेडमार्क्स द एप्लीकेशन एप्लीकेंट्स आर फ्री टू फाइल द एप्लीकेशन और इन इंग्लिश और फ्रेंच और स्पेनिश द कंट्रीज डिक्लेयर्ड एज लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज बाय द यूएन विल बी चार्ज टेन परसेंट लेस फी एज कम्पेयर टू अदर्स फॉर इंटरनेशनल फाइलिंग तो अगर कोई ऐसी कंट्री है जो कि लीस डेवलप्ड कंट्रीज है जिसे यूनाइटेड नेशन ने ये घोषणा कर रखी है कि लीसड डेवलप्ड कंट्रीज है उनका दस परसेंट फीस कम लगता है सिंपल प्रोसीजर है समझ में आ गया है क्या होता है सबसे पहले सबसे पहले आपको अपनी कंट्री में एप्लीकेशन देना होगा वहां से जाएगा इंटरनेशनल ब्यूरो जो डब्ल्यू आई पी ओ का डब्ल्यू आई पी ओ के पास पहुंचेगा फिर वो ब्यूरो चेक करेगा आपका जो भी क्या बोलते हैं आपका एप्लीकेशन है कि वो उनके प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग है या नहीं है अगर देखेगा कि कुछ भी इसमें कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं है कुछ नहीं है तो ये क्या करेगा ये आपका पब्लिश कर देगा कहां पर जो डब्ल्यू आई का गैजेट है इंटरनेशनल मार्क्स का फिर ब्यूरो क्या करेगा वहां पर पब्लिश करने के बाद जो भी हमारी कंट्रीज जहां पर आपको प्रोटेक्शन चाहिए उनको इन्फॉर्म कर देगा और बोल देगा अगर कोई ऑब्जेक्शन है या अगर मान लीजिए सपोज कुछ ऐसा सिमिलर आ रहा है या ऑलरेडी रजिस्टर ही मार्क है तो आप हमें ट्वेल्व मंथ्स के अंदर इन्फॉर्म करिए अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं आता है तो क्या हो जाएगा वो आपको उसके रिगार्डिंग जो ऑफिशियल इनका जो जर्नल है वहां पर पब्लिश कर दिया जाएगा आपको प्रोटेक्शन का ग्रांट ऑफ प्रोटेक्शन का जो आपका सर्टिफिकेट है वो आपका वहां पर पब्लिश कर दिया जाएगा स्टेटमेंट इश्यू कर दिया जाएगा ठीक है और इसके बाद जो एप्लीकेंट होगा वो मार्क कर सकता है कि उसे किस किस कंट्री में राइट चाहिए एग्रीमेंट फॉर इंटरनेशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ इंडस्ट्रियल डिजाइन ए आई आर डी नाइनटीन ट्वेंटी फाइव और हेग एग्रीमेंट और हेग सिस्टम नाइनटीन ट्वेंटी फाइव अब ये भी इंपॉर्टेंट है हेग सिस्टम देखिए आई आर डी जिसको कि किस नाम से भी जाना जाता है हेग एग्रीमेंट या फिर हेग सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है 1925 में ये फाइनली लागू हुआ मतलब कि इस पर साइन हुए 1925 में और आज की डेट में कितनी कंट्रीज हैं नाइनटीन सेवेंटी द एग्रीमेंट फैसिलिटेटेड द मेंबर कंट्रीज इन द इंटरनेशनल फाइलिंग ऑफ इंडस्ट्रियल डिजाइन जैसा कि यहां लिखा हुआ है तो अब आपको एक चीज समझ में आ गई हेग एग्रीमेंट हेग सिस्टम किसके लिए था अभी हमने बात करी किसकी मेड्रिट सिस्टम की मेड्रिट सिस्टम किसके लिए था ट्रेडमार्क के लिए एक सिस्टम किसके लिए है आईडी यानी कि इंडस्ट्रियल डिजाइन हेयर आफ्टर इट वॉज अमेंडेड टू टाइम्स नाइनटीन एंड नाइनटीन फर्दर मॉडिफिकेशन अमेंड हुआ दो बार उसके बाद फिर मॉडिफिकेशन हुआ कब एक्ट इन मोनाको 1961 में द मॉडिफाइड एक्ट वॉज फर्दर अमेंडेड थ्राइस फिर से तीन बार अमेंडमेंट हुआ 1967 में 1979 में और 1999 में एट प्रेजेंट एक्ट ऑफ 1960 एंड 1999 आर एक्टिव 1999 एक्ट इज ओपन टू एनी मेंबर ऑफ डब्ल्यू ठीक है एक सिस्टम की बात कर रहे हैं किसके लिए बात हो रही है इंडस्ट्रियल डिजाइन के लिए टोटल कितने आपके अमेंडमेंट हुए हैं यह जानना जरूरी है कितने मॉडिफिकेशन हुए यह भी जानना जरूरी है आज की डेट में दो एक्ट act एक्टिव है 1960 और 1999. 1960 वाला कौन सा एक्ट है यह भी आपको जानना जरूरी है हेग एक्ट 1960 जिनेवा एक्ट 1990 ठीक कौन कौन से एक्ट एक्ट एक्टिव हैं हेग 1960 और जिनेवा एक्ट 1999 ठीक है एट प्रेजेंट 79 कंट्रीज आर सिग्नेटरी टू इट एक्सक्लूडिंग इंडिया इंडिया इसका मेंबर नहीं है जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था हेग सिस्टम का मेंबर नहीं है और इसके टोटल जो इतने इसके मेंबर हैं वो कितने हैं इसके सेवेंटी ठीक है सेवेंटी इसके मेंबर्स हैं ये 1979 मैंने किस लिए लिख दिया है शायद मैंने गलत लिख दिया है ये 79 नाइन हैं ठीक है चलिए आगे लिखिए आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ एट द मोमेंट 79 कंट्रीज आर सिग्नेटरी टू इट एक्सक्लूडिंग इंडिया द 1968 इज ओपन टू द मेंबर्स कंट्रीज ऑफ द पेरिस कन्वेंशन एंड करेंटली ओनली नाइन कंट्रीज आर सिग्नेटरी टू इट एक्सक्लूडिंग इंडिया तो एक सिस्टम किसके लिए था आपका इंडस्ट्रियल डिजाइन के लिए मेड्रिड सिस्टम किसके लिए था वो भी आपका ट्रेडमार्क के लिए ठीक है दोनों में डिफरेंस समझते चलिएगा जितने भी अभी तक आपको एग्रीमेंट कन्वेंशन बता दिए सब में बता दिया है कि किस किस आईपी के लिए कौन कौन सा एग्रीमेंट हुआ है अब देखिए इसका क्या प्रोसीजर है हमने ट्रेडमार्क का जो मेड्रिट सिस्टम था वो हमने पढ़ लिया अब हम पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल डिजाइन अगर हमें सिस्टम के थ्रू रजिस्टर कराना है, है? तब उसका क्या प्रोसेस एप्लीकेशन टू द एर या फिर हम बोल सकते हैं एग्रीमेंट। ठीक है द एप्लीकेंट कैन बी एन इंडिविजुअल और एन एंटिटी विच मस्ट बी ए डोमिसाइल और अ नेशनल और हैविंग बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट इन द सिग्नेटरी कंट्री टू दाइनटी एक्ट जिनेवेट और हैविंग यूजल रेजिडेंस इन द कॉन्ट्रेक्टिंग कंट्री टू आइर ऑफ दीज आइर ऑफ द टू एक्स ठीक है या तो वहां का डोमिसाइल होना चाहिए रेजिडेंशियल रेजिदें, वहां का होना चाहिए वहां का उनका क्या बोलते हैं कॉन्ट्रेक्टिंग कंट्री का रेजिडेंस होना चाहिए इसके साथ साथ आपका बिजनेस होना चाहिए किसी भी सिग्नेटरी कंट्री में तो आप अप्लाई कर सकते हैं द एप्लीकेट कैन अपलाई डायरेक्टली एट द इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ डब्ल्यू आई पी ओ थ्रफिस ऑफ ओरिजिन वंस द ब्यूरो रिसीव द एप्लीकेशन आपने जाकर के अप्लाई किया ब्यूरो को वो एप्लीकेशन मिलेगा फिर वो क्या करेगा ब्यूरो उसका एग्जामिनेशन करेगा मतलब कि एग्जामिन करेगा फॉर्मल एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड इफ एनी डिस्क्रिपेंसी इज फाउंड इट इज कम्युनिकेटेड टू द एप्लीकेंट एप्लीकेंट को बताएगा कि ये प्रॉब्लम है इफ अ डेजिग्नेटेडेड स्टेट हैज एन ऑब्जेक्शन टू प्रोटेक्ट द डिजाइन दे नीड टू नोटिफाई द डब्ल्यू आई पी ओ ब्यूरो विद इन सिक्स मंथ्स मतलब मान लीजिए जिस स्टेट में या जिस कंट्री में आप चाह रहे हैं और उनको लगा कि कोई ये इसमें गड़बड़ी है डिजाइन में उन्होंने ऑब्जेक्शन रेस किया तो उस ऑब्जेक्शन को रेस करने के लिए डब्ल्यू को उनको छह महीने के अंदर अंदर बताना होगा और पॉसिबली ट्वेल्व मंथ्स वंस द डिजाइन एंटर द नेशनल फेज डिजाइन अगर नेशनल फेज में चला गया तो उसके ट्वेल्व मंथ्स के अंदर अंदर बताना होगा एनी डेजिग्नेटेड कंट्री कैन री रिफ्यूज प्रोटेक्शन इफ इट इज कॉन्ट्राडिक्ट्री टू दियर नेशनल लॉज एंड जोडिक्शन तो कोई भी कंट्री आपका प्रोटेक्शन जो है वो रिफ्यूज कर सकती है अगर उनके नेशनल लॉ के अगेंस्ट में है इफ़ ऑल रिक्वायरमेंट है डिजाइन इज रजिस्टर्ड इन द इंटरनेशनल डिजाइन बुलेटिन एंड द डेजिग्नेटेड कंट्रीज आर नोटिफाइड अबाउट द रजिस्ट्रेशन ठीक है अगर किसी भी तरह का कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई तो जो आपका डिजाइन और रजिस्टर हो जाएगा कहाँ पर इंटरनेशनल डिजाइन बुलेटिन में आपका डिज़ाइन रजिस्टर हो जाएगा और उस कंट्री को जहां पर आप प्रोटेक्शन चाहते हैं नोटिफाई कर दिया जाएगा इन्फॉर्म कर दिया जाएगा द इंटरनेशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ द इंडस्ट्रियल डिजाइन विल बी इफेक्टिव फ्रॉम द ग्रांड डेट ऑफ प्रोटेक्शन इन द कॉन्ट्रेक्टिंग कंट्री कब से वैलिड रहेगा कब से इफेक्टिव रहेगा जब से आपको ये मिलेगा प्रोटेक्शन उस कंट्री में द डिजाइन इज इनिशियली प्रोटेक्टेड फॉर फाइव ईयर्स एंड कैन बी फर्दर एक्सटेंडेड फॉर फाइव मोर ईयर्स अंडर द नाइनटीन सिक्सटी एक्ट और अगर दस साल आपको और एक्सटेंड कराना है तो वो किसके अंडर में आता है नाइनटीन नाइनटी जिनेवा एक्ट 1960 हेग एक्ट एंड 1999 जेनेवा एक्ट ठीक है पांच साल के लिए मिलता है फर्दर पांच साल के लिए आप एक्सटेंड करा सकते हैं या फिर आप दस साल के लिए भी इसको फर्दर एक्सटेंड करा सकते हैं अब आता है हमारा नाइस एग्रीमेंट या जिसके बारे में हमें पता है नाइस क्लासिफिकेशन 1957 में इस पर साइन हुए इंडिया इसका मेंबर है टोटल 93 कंट्रीज आज की डेट में नाइस एग्रीमेंट पर साइन कर चुकी है दिस एग्रीमेंट वॉज साइन टू यूज अ स्टैंडर्ड मोड ऑफ क्लासिफिकेशन फॉर द ट्रेड मार्क्स एंड सर्विस मैंने ऑलरेडी आपको लास्ट क्लास में बताया हुआ नाइस क्लासिफिकेशन किस लिए होता है हमें बताता है नाइस nice क्लासिफिकेशन कि ये गुड्स है या फिर सर्विसेज हैं टोटल कितनी क्लासेज हैं 45 फाइव क्लासेस नाइस क्लासिफिकेशन में 34 फोर क्लासेस हैं आपकी गुड्स के लिए और 11 जो आपकी क्लासेस है ये हैं आपकी सर्विसेज के लिए ठीक है द एग्रीमेंट हैज बीन सब्जेक्ट टू टू अमेंडमेंट कब कब अमेंडमेंट हुए हैं 1967, 1977. ठीक है है इसके बाद देखिए क्या क्लासिफिकेशन मेक इट इजी टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन ऑल सिग्नेटरी कंट्रीज एज दे आर फॉलोइंग द सेम स्टैंडर्ड तो ये बेसिकली हमें पता चल जाता है कि किस टाइप का ये आपका जो आप अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर कराने जा रहे हैं किस टाइप का है किस क्लास का वो बिलोंग करता है इसके लिए क्लासिफिकेशन का हम यूज कर सकते हैं एवरी मेंबर स्टेट ऑफ द नाइस एग्रीमेंट एंड पेरिस कन्वेंशन आर अ मेंबर ऑफ द नाइस एग्रीमेंट जो भी आपके पेरिस कन्वेंशन के मेंबर हैं या फिर आपके नाइस NICE एग्रीमेंट के मेंबर वो सब के सब के इसके आपके मेंबर हैं टोटल ऑफ 893 कंट्रीज नहीं है ये टोटल ऑफ 93 कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया आर सिग्नेटरी टू दिस एग्रीमेंट 893 तो कंट्रीज ही नहीं है टोटल 93 कंट्रीज जैसा कि मैंने आपको बता दिया है इसके मेंबर्स हैं ठीक है देर इज अ टोटल ऑफ 45 फाइव क्लास ये ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं द क्लासेज आर अरेंज एल्फापेटिकली फ्रॉम ए टू जेड फॉर बोथ कैटेगरीज द क्लास सर्च कैन बी डन इन इंग्लिश फ्रेंच एंड स्पेनिश ठीक है नाइस एग्रीमेंट हो गया 1957 में इस पर साइन हुए नाइस nice एग्रीमेंट क्यों किया गया था ताकि हम क्लासिफिकेशन को इस्टैब्लिश कर सके अब नाइस nice क्लासिफिकेशन क्यों स्टैब्लिश किया गया इसलिए स्टैब्लिश किया गया कि अगर आप ट्रेडमार्क रजिस्टर कराना चाहेंगे तो आप बता सकते हैं कि कौन सी क्लास को बिलोंग करता है गुड्स है या सर्विसेज है और अगर गुड्स है तो कौन सा गुड्स है इसके लिए क्या बना दिया गया इसके लिए बना दिया गया नाइस nice क्लासिफिकेशन जिसमें कि नाइनटी कंट्रीज उसके मेंबर है उन्नीस में इस पर साइन हुए थे नाइनटीन में अगला आता है हमारा लिस्बन एग्रीमेंट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ एपीलेशन ऑफ ओरिजिन एंड दियर इंटरनेशनल रजिस्ट्रेशन अब देखिए एपिलेट ऑफ ओरिजिन या एपिलेशन ऑफ ओरिजिन और जीआई में क्या फर्क है एपिलेशन ऑफ ओरिजिन और जीआई देखिए जीआई मतलब कि मान लीजिए सपोज आपको पता है कि पर्टिकुलर रीजन को आपको डिफाइन करता है ठीक है मान लीजिए सपोज कोई चीज़ है अगर कोई एक चीज वहां पर दार्जिलिंग की है तो दार्जिलिंग टी जहां पर पैदा हो रही है वो बेसिकली उस एरिया को बता रहा है ठीक है ना बीकानेर भुजिया है भुजिया वहां पर किसको बता रही उस प्लेस को बता रही बीकानेर को और आपका और भी बहुत सारी चीजें हैं जो जोग्राफिकल जग... इंडिकेशन के तहत आती हैं अब एप्लीकेशन ऑफ ओरिजिन क्या है ये जो होता है एप्लीकेशन ऑफ ओरिजिन दिस इज मोर स्ट्रांगर देन जीआई देखिए क्यों क्योंकि कोई ऐसा प्रोडक्ट जिसको बनाया जा रहा है उसी रीजन में रॉ मटेरियल जो यूज हो रहा है वो भी वहीं से आ रहा है उसी पर्टिकुलर मान लीजिए सपोज एक ही एरिया है ठीक है या रीजन है या प्लेस है यहीं पर आपका रॉ मटेरियल बन रहा है यहीं से आपका रॉ मटेरियल आ भी रहा है और यहीं पर आप उस प्रोडक्ट को बना भी रहे हैं मतलब हर एक एक्टिविटी उस प्रोडक्ट से रिलेटेड आप स्पेसिफिक उसी रीजन में कर रहे हैं तो ये क्या होगा एप्लेशन ऑफ ओरिजिन अब जीआई है मान लीजिए सपोज कोई ऐसी चीज है आपको पता है वहां पर हो रही है मान लीजिए दार्जिलिंग टी आपको पता है वहां हो रही है लेकिन आप उसकी पैकेजिंग जो करा रहे हैं वो कहीं और से करा रहे हैं तो इसका क्या मतलब है वो है आपका जोग्राफिकल इंडिकेशन एपिलेशन ऑफ ओरिजिन मतलब कि हर एक चीज उस प्रोडक्ट से रिलेटेड हर एक एक्टिविटी उस प्रोडक्ट से रिलेटेड स्पेसिफिक उसी रीजन में हो रही है कहीं किसी दूसरे रीजन में नहीं हो रही है। वो है एपिलेशन ऑफ ओरिजिन ठीक है देखिए लिस्बन एग्रीमेंट क्या कहता है इंडिया इसका मेंबर नहीं है लिस्बन एग्रीमेंट का 1958 में इस पर साइन हुए थे और ये आपका कितने इसके मेंबर हैं तीस मेंबर आज की डेट में द एपिलेट ऑफ ओरिजिन इज प्रोटेक्टेड एंड रजिस्टर्ड अंडर द लिस्बन एग्रीमेंट 1958 फिफ्टी उसके बाद दो बार रिवाइज हुआ 1967 में और 79 में, अब में सिर्फ और अब देखिए जो प्रोटेक्ट करने की जरूरत पड़ी उसके लिए क्या किया गया उसके लिए द लिस्बन एग्रीमेंट वॉज अपडेटेड इन टू थाउजेंड फिफ्टीन टू प्रोटेक्ट जी आई एंड वॉज नेम्ड एज जिनेवा एक्ट ऑफ द लिस्बन एग्रीमेंट ऑन एपिलेशन ऑफ ओरिजिन एंड जी ठीक है पहले इसको 1958 में जब इस एग्रीमेंट पर साइन हुए तो यह सिर्फ और सिर्फ इसको प्रोटेक्ट करता था एओ को यानी कि एपिलेट ऑफ ओरिजिन को बाद में इसको जरूरत पड़ी कि हमें जीआई को भी प्रोटेक्शन चाहिए तो 2015 में इसको अपडेट कर दिया गया और इसका नाम क्या हो गया जिनेवा एक्ट ऑफ द लिस्बन एग्रीमेंट ऑन द एपलेशन ऑफ ओरिजिन एंड जी द एग्रीमेंट वॉज अपडेटेड बिकॉज इट अप्लाइज ओनली टू देशन ऑफ ओरिजिन देखिए क्या लिखा हुआ है ब्रैकेट में ऑफ ओरिजिन द प्रोडक्ट है जिनेवा एक्ट इज मोर फ्लेक्सिबल एंड अलाउज द कॉन्ट्रेक्टिंग पार्टीज टू प्रोटेक्ट द जी आई एंड एपीलेशन ऑफ ओरिजिन ऑन अ जेनरिस बेसिस तो इसका नाम बदल के क्या हो गया जिनेवा एक्ट ऑफ द लिस्बन एग्रीमेंट ऑन एपिलेशन ऑफ ओरिजिन एंड जी आई क्यों अपडेट किया गया क्योंकि पहले सिर्फ और सिर्फ ये एप्लेशन ऑफ ओरिजिन को ही प्रोटेक्ट कर रहा था बाद में ज्योग्रफिकल इंडिकेशन को भी ये प्रोटेक्ट करने लगा इसलिए इसको अपडेट करा दिया गया नेक्स्ट आता हमारा लोकार्नो एग्रीमेंट स्टैब्लिशिंग एंड इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन फॉर इंडस्ट्रियल डिजाइंस लोकार्नो एग्रीमेंट क्यों हुआ इस एग्रीमेंट पर साइन ताकि बनाया जा सके एक ऐसा क्लासिफिकेशन कि अगर आप अपना डिजाइन को रजिस्टर कराना चाहते हैं तो उस क्लासिफिकेशन के तहत आप देख सकते हैं कि ये कौन सी क्लास को बिलोंग करेगा तो लोकार्डो एग्रीमेंट की वजह से क्या स्टेब्लिश किया गया लोकार्नो क्लासिफिकेशन क्या स्टैब्लिश किया गया लोकार्नो क्लासिफिकेशन टोटल कितनी क्लास है इसमें थर्टी टू क्लास है लोकार्डो क्लासिफिकेशन में क्लास है ये नहीं आप कंफ्यूज मत होइए नहीं तो आप ये समझेंगे मेंबर्स हैं क्योंकि सर्कल कर दिया हाँ मेंबर्स तो ठीक है देखिए इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टीज लाइक पेटेंट्स ट्रेडमार्क ट्रेड सर्विसेज इंडस्ट्रियल डिजाइन आर क्लासिफाइड अंडर द स्पेसिफिक क्लासिफिकेशन कोर्ट्स दीज कोर्ट्स आर स्टैंडर्ड एंड द सिग्नेटरी कंट्रीज यूज दिज कोर्स इन द ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स टू इस्टिश द्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल डिजाइन लोकार्डो एग्रीमेंट वॉज कंक्लूडेड इन द एग्रीमेंट वॉजटी नाइन उन्नीस सौ नवासी नाइन में अमेंडमेंट हुआ है द एग्रीमेंट इज ओपन टू ऑल द कॉन्ट्रेक्टिंग कंट्रीज ऑफ द पेरिस कन्वेंशन ठीक है पेरिस कन्वेंशन की सारी कंट्रीज के लिए ये ओपन है मतलब कि अगर मान लिये सपोज आप पेरिस कन्वेंशन के मेंबर हैं तो ऑब्वियस है इसके भी मेम्बर आप हो जाएंगे एज ऑफ नाउ टोटल ऑफ सिग्नेटरीज इंक्लूडिंग इंडिया आर पार्टी टू दिस एग्रीमेंट दिसमेंट कंट्रीज इसके मेंबर मेंबर हैं इंडिया भी इसका एक है द में क्लासिफिकेशन क्लासिफिक बाय द लोकार्डो एग्रीमेंट इज एन इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन यूज फॉर द पर्पजेज ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ इंडस्ट्रियल डिजाइन समझ में आ गया लोकार्नो एग्रीमेंट क्यों हुआ ताकि हम एक ऐसा क्लासिफिकेशन बना सकें जिससे हमें इंडस्ट्रियल डिजाइन का अपना अगर डिजाइन रजिस्टर कराना है तो हमें किस क्लास को बिलोंग करना है यह हमें कैसे पता लगेगा वो हमें पता लगेगा लोकार्डो क्लासिफिकेशन से जिसकी वजह से लोकार्डो क्लासिफिकेशन बनाया गया नेक्स्ट आता है हमारा एग्रीमेंट कंसर्निंग द इंटरनेशनल पेटेंट क्लासिफिकेशन 1971 अच्छा हाँ लोकार्डो आपका जो ये हमारा क्लासिफिकेशन है मैं ऑलरेडी आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूं फिर से आपको बता देता हूं फोर्टीन एडिशन है ठीक है लोकार्णो क्लासिफिकेशन नाइस nice, के बारे में अभी हमने बात करी थी पीछे हमने नाइस nice पढ़ा था नाइस nice एग्रीमेंट हमारा चलिए आगे बात करते हैं स्ट्रेसबर्ग एग्रीमेंट अब देखिए ये क्यों हुआ ये इसलिए हुआ ताकि इंटरनेशनल पेटेंट क्लासिफिकेशन को स्टैब्लिश किया जा सके अब देखिए द स्ट्रेट एग्रीमेंट वॉज साइन इन नाइनटीन टू वन द इंटरनेशनल पेटेंट क्लासिफिकेशन आईपीसी एग्रीमेंट वॉज अमेंडेड इन नाइनटीन सेवेंटी हम बात करें इंडिया इसका नहीं है और स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन ऑफ दूंगीज एंड इन्वेंटर्स फॉर प्रायर आर्ट सर्च एज इट मेक्स सर्चिंग वेरी सिंपल एज कंपेयर टू द कीवर्ड्स अभी हम आपको एक एक चीज बताएंगे ये जो आपका बनाया गया इंटरनेशनल पेटेंट क्लासिफिकेशन मतलब अगर आपको पहले सर्च करना है कि जो हमें अपना पेटेंट जो भी रजिस्टर कराना है तो उसके लिए इन्होंने बना दिया एक क्लासिफिकेशन जहां से आप सर्च कर सकते हैं कि आपका ये पेटेंट पहले से रजिस्टर तो नहीं है कोई ऐसा मिलता जुलता कुछ ऐसा तो नहीं किसी ने इन्वेंशन कर दिया हो आप पता चला कराने जा रहे हैं तो इसलिए उन्होंने एक पूरा डेटाबेस बना दिया है दैट इज इंटरनेशनल पेटेंट क्लासिफिकेशन क्या है अभी हम आपको दिखाते हैं इंटरनेशनल पेटेंट क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन ऑफ पेटेंट्स एंड यूटिलिटी ध्यान रखिएगा पेटेंट्स एंड यूटिलिटी मॉडल्स अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट एरियाज ऑफ टेक्नोलॉजी टू विच दे अ न्यू वर्जन ऑफ आईपीसी एंटर्स इन फोर्स ईच ईयर ऑन जनवरी वन करंट एडिशन इज एथ एडिशन देखिए टोटल आठ सेक्शन है इसके टोटल कितने हैं आठ सेक्शन है ये आपके सामने स्क्रीन पर है ये स्क्रीन शॉट डब्ल्यू की वेबसाइट से लिया गया है आप यहां पर देख सकते हैं टोटल जो इसके आपके आ, क्या बोलते हैं सेक्शन है कितने हैं आठ ए बी सी डी ई एफ जी एच कौन कौन सेक्शन है ह्यूमन नेसेसिटीज परफॉर्मिंग ऑपरेशन ट्रांसपोर्टिंग केमिस्ट्री मेटलर्जी टेक्सटाइल पेपर फिक्स कंस्ट्रक्शंस मैकेनिकल इंजीनियरिंग लाइटनिंग हीटिंग वेपन्स, ब्लास्टिंग फिजिक्स और इलेक्ट्रिसिटी तो टोटल ये हमारे आते हैं आठ सेक्शन ठीक है आगे बात करते हैं देखिए अभी एक चीज यहां पर समझिए एडिशन कौन सा है एथ एडिशन ठीक है वर्जन की अगर हम बात करें यहां पर आपके सामने लिखा हुआ है ये वर्जन 2024.01 है 2023 नहीं है 2024 है और इसके अलावा ये देखिए अब अगर हम बात करें हर एक सेक्शन को सब सेक्शन में भी डिवाइड किया गया तो यहां पर कितने सेक्शन है कितने सब सेक्शन है यह आपको जानना जरूरी है द टेक्निकल फील्ड आर डिवाइडेड इंटू एट सेक्शन आठ सेक्शन है वन ट्वेंटी नाइन क्लासेज है सिक्स थर्टी नाइन सब क्लासेज हैं सात हजार तीन सौ चौदह मेन ग्रुप है और सेवेंटी थाउजेंड से भी ज्यादा इसमें सब ग्रुप्स हैं ठीक है ये पूरा आपका क्या है पता होना चाहिए सर्च इंजन है पेटेंट डेटाबेस पेटेंट डेटाबेस नाम क्या है आईपीसी इंटरनेशनल पेटेंट क्लासिफिकेशन पूरा आपको यहां पर एक एक चीज दी गई है यहां से आप सर्च कर सकते हैं आप देख सकते हैं कि कौन से हमारा सेक्शन में आ रहा है किस ग्रुप को बिलोंग कर रहा है सब कुछ यहां पर आप देख सकते हैं मतलब कि अगर आपको रजिस्ट्रेशन कराना है तो आपको हेल्प चाहिए होगी कि आपका जो प्रोडक्ट है जो आपका इन्वेंशन है वो किस कैटेगरी को बिलोंग कर रहा है तो आप उसको जाकर के इंटरनेशनल पेटेंट क्लासिफिकेशन का ये वेबसाइट है यहां पर आप जा करके चेक कर सकते हैं कि आपका ये जो प्रोडक्ट या इन्वेंशन है किस कैटेगरी को बिलोंग कर रहा है उसके लिए ये बनाया गया आईपीसी तो इसकी वजह से आईपीसी बनाने की जो वजह थी उसकी वजह से स्ट्रेसबर्ग एग्रीमेंट पर साइन हुए ठीक समझ आ गया आपको और ये सारे सेक्शन है सेक्शन के अंडर में ये सारे सब सेक्शन है ठीक है आगे चलते हैं रोम कन्वेंशन रोम कन्वेंशन आपका कब हुआ 1961 में और इस पर क्या बोलते हैं आपका टोटल अगर हम बात करें आज की डेट में कंट्रीज कितने हैं इंडिया इसका मेंबर, जी हाँ, बिल्कुल इसका मेंबर मेंबर जी बिल्कुल है uh, 1961 में रोम कन्वेंशन पर साइन हुए नाइनटी सेवन कंट्रीज इसके मेंबर्स हैं प्रायर टू दिस कन्वेंशन द कॉपी राइट एग्रीमेंट प्रोवाइडेड प्रोटेक्शन ओनली टू प्रिंटेड मटीरियल इसके पहले तक क्या हो रहा था जो कॉपी का जो आपका प्रोटेक्शन मिल मिल रहा रहा था था किसको था? सिर्फ और सिर्फ जो प्रिंटेड मटेरियल्स थे लेकिन सबको पता है इंटरनेट आया आपका ऑडियो कैसेट्स कैसेट्स आए वीडियो आए बहुत सारी चीजें अब उनको कैसे दिया जाए प्रोटेक्शन उसके लिए साइन किया गया रोम कन्वेंशन इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू फिजिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ आईपी टेप रिकॉर्डर्स ऑडियो कैसेट्स वीडियो कैसेट्स which made the reproduction of sounds and images faster and less costly a need was felt to provide protection to these entities to respond to these concerns rome convention was held in 1969 and its recommendations came into existence in 1964 india along with other 25 countries is a signatory to rome convention total 97 countries have rome convention mein. आपको ध्यान रखना है कितनी कंट्रीज है इंडिया भी इसका मेंबर है तो क्यों जरूरत पड़ी मैंने आपको बता दिया पहले क्या होता था जो सिर्फ प्रिंटेड मटेरियल्स होते थे बस उन पर ही कॉपीराइट मिलता था लेकिन उसके बाद इसकी जरूरत पड़ी कि अगर वीडियो कैसेट हैं रिकॉर्डर्स हैं है ना तब उसके लिए हमें कैसे उसका कॉपीराइट का प्रोटेक्शन मिलेगा उसके लिए रोम कन्वेंशन पर साइन किए गए उन्नीस में अब आता है हमारा बर्न कन्वेंशन ये भी इंपॉर्टेंट है एटीन में अच्छा एक चीज ध्यान रखिएगा यहां पर किसके लिए था फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ परफॉर्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑफ फोनोग्राम्स एंड ब्रॉडकास्टिंग ऑर्गेनाइजेशन ठीक है बर्न कन्वेंशन किसके लिए प्रोटेक्शन ऑफ लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क यानी कि किसकी बात कर रहे हैं ये कॉपी राइट की और जो ये बात हमने करी रोम कन्वेंशन ये भी किसकी बात है कॉपी राइट की ठीक है दिस कन्वेंशन इज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट डीलिंग विथ कॉपी राइट Most है आपका बर्न कन्वी सिक्स इन बर्न स्विटरलैंड ब्रॉडली मेन पर्पज ऑफ द कन्वेंशन वॉज टू ले गाइडलाइंस फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वर्ग रिलेटेड टू लिटरेचर एंड आर्ट एज वेल एज द राइट ऑफ द कंसर्न ऑथर्स कॉपी राइट के लिए इंटरनेशनली अगर सबसे पहले जो शुरुआत हुई है कि उसको कहा प्रोटेक्ट कैसे प्रोटेक्ट किया जाए क्या प्रोटेक्शन दिया जाए तो सबसे पहले जो कन्वेंशन हुआ है जिस पर साइन हुए दैट इज बर्न कन्वेंशन 1886 में हुआ है और इसके मेंबर्स इंडिया भी हमारा इसका मेंबर है और आज की डेट में इसके 181 कंट्रीज एक सौ इक्यासी कंट्रीज इसके मेंबर है द बर्न कन्वेंशन हैज बीन रिवाइज एंड अमेंडेड मेनी टाइम्स द लेटेस्ट नाइनटीन नियरली वन नेशंस इंक्लूडिंग इंडिया आर पार्टी टू दिस कन्वेंशन एक सौ इक्यासी कंट्रीजीबर्स है ठीक है अब देखिए बन कन्वेंशन के इंपॉर्टेंट फीचर्स भी देख लेते हैं वर्ल्ड पब्लिस्ड इन वन ऑफ द कॉन्ट्रेक्टिंग स्टेट मस्ट बी ग्रांटेड सिमिलर प्रोटेक्शन इन ऑल द कॉन्ट्रेक्टिंग स्टेट मतलब कि अगर किसी एक कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट स्टेट मतलब कॉन्ट्रेक्टिंग मतलब की उसका मेंबर या फिर हम बोल सकते हैं कंट्रीज या फिर स्टेट्स जिससे भी आप डिनोट करें एक ही चीज है तो बर्न कन्वेंशन की अगर मान लीजिए एक सौ इक्यासी कंट्रीज हैं ठीक है जो उसके मेंबर हैं अगर आपने किसी एक कंट्री में आपने आपको प्रोटेक्शन मिल गया आपका वर्क पब्लिश हो गया तो बाकी जो एक सौ अस्सी कंट्रीज बचती हैं वहां पर भी आपको सेम प्रोटेक्शन मिलेगा यह कहता है बर्न कन्वेंशन द ऑथर ऑफ द कॉपी राइटेड मटेरियल इज ग्रांटेड राइट फॉर एटलीस्ट फिफ्टी ईयर्स पोस्ट डेथ ऑफ द ऑथर तो कितना मिलता है टर्म आपको डेथ के बाद भी 50 ईयर्स ठीक हाउ एवर अ लॉन्गर ड्यूरेशन कैन बी प्रोवाइडेड बाय द कॉन्ट्रेक्टिंग पार्टीज। अब अलग अलग स्टेट्स या अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग रूल्स होते हैं तो हो सकता है कहीं -कहीं प्रोटेक्शन मिल जाए द प्रोटेक्शन एंड राइट कम इन टू प्ले एज सुन एज द वर्क इज पब्लिस्ड नो फॉर्मल रजिस्ट्रेशन ऑफ द वर्क इज नीडेड द राइट ग्रांटेड टू द ऑथर्स इंक्लूड द राइट टू ट्रांसलेक्शन ऑफ द वर्क कौन कौन से राइट्स मिलते हैं देख लीजिए राइट टू ट्रांसलेशन ऑफ द वर्क मेकिंग एडेपेश परफॉर्म इन पब्लिक वर्क टू कम्युनिकेट टू दब्लिकस्ट एंड मैनर, एनी मैनर और फॉर्म इसके साथ साथ मॉरल राइट भी आपको यहां पर दिए जाते हैं इन एडिशन टू इकोनॉमिक राइट द बर्न कन्वेंशन ऑल्सो प्रोवाइड फॉर मॉरल राइट टू दस देंशन ऑल्सो प्रोवाइड सर्टे एक्सेप्शन टू द राइट जैसे कि कॉपी राइटेड मटीरियल कैन बी यूज फॉर टीचिंग पर्पजे विदाउट प्रायर अप्रूवल फ्रॉम द ऑथर ठीक है यूज किया जा सकता है अगर आप टीचिंग पर्पज के लिए यूज कर रहे हैं बिना किसी की परमिशन के नेक्स्ट आता है हमारा जेनेवा कन्वेंशन जेनेवा कन्वेंशन या इसका नाम हम ये भी बोल सकते हैं फोनोग्राम कन्वेंशन ठीक है जेनेवा कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ प्रोड्यूसर्स ऑफ फोनोग्राम्स अगेंस्ट अनऑथोराइज डुप्लीकेशन ऑफ दियर फोनोग्रामीन 1971 1971 में जिनेवा कन्वेंशन या फोनोग्राम कन्वेंशन पर साइन हुए और एट्टी वन कंट्रीज इक्यासी, देश, इक्यासी देश इसके आज की में मेंबर में में हैं इंडिया भी इसका मेंबर है क्या है ये देख लेते हैं द फोनोग्राम्स कन्वेंशन हेल्ड इन अक्टूबर 1971 सेवेंटी वन एडोप्टेड दैट ईच कॉन्ट्रेक्टिंग स्टेट मस्ट मेक अ प्रोविजन फॉर प्रोटेक्टिंग द राइट ऑफ अ नॉन रेजिडेंट होल्डर ऑथराइज ऑफ फोनोग्राम्स क्या है इसमें प्रोविजन देखिए प्रिवेंशन ऑफ क्रिएटिंग डुप्लीकेट विदाउट द कंसेंट ऑफ द प्रोड्यूसर बिना उसकी परमिशन के आप डुप्लीकेट सी नहीं कर सकते नॉट अलाउंग द इंपोर्ट इम्पोर्टेशन ऑफ सच डुप्लीकेट्स इंपोर्ट नहीं कर सकते वेयर द मेकिंग ऑफ इम्पोर्टेशन इज फॉर द पर्पज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन टू दब्लिक प्रिवेंशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन किसी भी तरह का कोई डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन आप distribution नहीं कर सकते हैं ये सारे के सारे प्रोविजन इसमें है मतलब कि आप डुप्लीकेसी नहीं कर सकते हैं इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं किसी भी तरह का आप डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर सकते द ड्यूरेशन ऑफ प्रोटेक्शन इज मिनिमम फॉर ट्वेंटी ईयर्स आइदर फ्रॉम द डेट ऑफ द फर्स्ट फिक्सेशन और फ्रॉम द फर्स्ट पब्लिकेशन ऑफ द फोनोग्राम However, परमिशन इज नॉट नीडेड इफ द material इज यूज फॉर टीचिंग और साइंटिफिक रिसर्च purposes. मतलब अगर कोई आप टीचिंग पर्पज के लिए यूज कर रहे हैं तो आपको किसी भी तरह की परमिशन की जरूरत नहीं है WIPO आईपीओ अलॉन्ग विद आई एल ओ एंड यूनेस्को इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिस कन्वेंशन द एडमिनिस्ट्रेशन इन्क्लूडिंग इंस्ट्रूमेंट ऑफ रेटिफिकेशन एक्सेप्टेंस और एसेशन लाइज विद द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड जितने भी आपके यूनाइटेड नेशंस के कंट्रीज हैं, हैं वो एलिजिबल इसके मेंबर्स मेंबर्स बनने के लिए। अभी तक 81 कंट्रीज़ इसके हैं, जिसमें कि इंडिया भी शामिल है अगला आता हमारा डब्ल्यू कॉपीराइट कॉपी राइट ट्रीटी डब्ल्यू सी टी नाइन नाइन सिक्स दिटी इज अल एग्रीमेंट अंडर द बर्न कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ कॉपी राइटेड वर्क ऑफ ऑर्थर्स इन द डिजिटल में है। किस किस को आपको वो मिलता था? क्या बोलते हैं प्रोटेक्शन मिलता था अभी क्या हुआ कि अब धीरे धीरे सबको पता होने लगा की इंटरनेट की शुरुआत हुई डिजिटली काम होने लगा तो उसके बाद क्या हुआ उसके बाद आया डब्ल्यू आई पी ओ कॉपी राइट ट्रीटी उन्नीस सौ छियानवे में साइन किया गया और लागू कब से हुआ दो में

किया गया है या फिर कोई ऐसा क्रिएशन जिसमें कि कंप्यूटर प्रोग्राम की मदद या कोई आपने प्रोग्राम ही बनाया कोई सॉफ्टवेयर बनाया है ठीक है माइंड का यूज़ किया है इंटेलेक्ट का यूज़ किया है तो वो आपका आ गया किसमें में आई पी ओ कॉपीराइट ट्रिटी में आज की डेट में अगर हम बात करें तो कितने मेंबर्स हैं इसके डब्ल्यू आई पी ओ कॉपीराइट ट्रीटी के 115 मेंबर्स हैं और इंडिया भी इसका मेंबर द स्टैंडर्ड ड्यूरेशन ऑफ द प्रोटेक्शन अंडर दिस ट्रीटी एट लीस्ट फिफ्टी ईयर्स सिग्नेटरी कंट्रीज इसको अपने अकॉर्डिंग अमेंड कर सकते हैं ज्यादा भी चाहे तो ज्यादा भी दे सकते हैं तो डब्ल्यू कॉपीराइट ट्रीटी बेसिकली किसके लिए आया है कंप्यूटर प्रोग्राम्स कंप्यूटर प्रोग्राम्स और आपका डेटाबेस ठीक है उन्नीस में इस पर साइन हुए 2002 में लागू हुआ और मेंबर्स कितने हैं इसके 115 कंट्रीज डब्ल्यू आई पी ओ कॉपी राइट ट्रिटी डब्लू सी टी नाइनटीन नाइनटी सिक्स नेक्स्ट आता हमारा डब्ल्यू आई पी ओ परफॉर्मेंसेज एंड फोनोग्राम्स ट्रीटी डब्ल्यू पी पी टी उन्नीस सौ छियानवे दिस ट्रीटी इज एन एक्सटेंशन ऑफ द रोम कन्वेंशन रोम कन्वेंशन का एक्सटेंशन है ये टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ परफॉर्मेंस लाइक एक्टर्स सिंगर्स म्यूजिशियंस एंड प्रोड्यूसर्स ऑफ फोनोग्राम्स द ट्रीटी वॉज कंक्लूडेड इन नाइनटीन नाइनटी सिक्स बट केम इन टू फोर्स इन टू थाउजेंड टू साइन कब हुआ है उन्नीस सौ छियानवे में लागू हुई 2002 से और 112 इसके कंट्रीज हैं जिसमें कि आपका इंडिया भी इसका मेंबर है डब्ल्यू आई पी ओ परफॉर्मेंसेज एंड फोनोग्रामस्टिटी पचास साल का प्रोटेक्शन मिलता है आफ्टर द रिकॉर्डिंग ऑफ द वर्क बट कंट्रीज आर गिवेन द फ्रीडम टू इंक्रीज द प्रोटेक्शन बाकी अलग अलग जो भी सिग्नेटरी कंट्रीज हैं अगर वो चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग उनके यहाँ कुछ ऐसा रूल है कि ज्यादा आप एक्सटेंड और एक्सटेंड कर सकते हैं इस टाइम पीरियड को तो उनके अकॉर्डिंग उनका अलग अलग सिस्टम है डब्ल्यू पी पी टी किसके लिए आया टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ परफॉर्मेंस कौन कौन हो सकते हैं वो परफॉर्मेंस एक्टर्स हो सकते हैं सिंगर्स हो सकते हैं म्यूजिशियंस हो सकते हैं या फिर आपका प्रोड्यूसर्स हो सकते हैं फोनोग्राम के ठीक है और कितना प्रोटेक्शन दिया गया इनको बोला गया जब से आपका रिकॉर्डिंग हुआ है काम का तब से फिफ्टी ईयर्स तक ट्रिप्स एग्रीमेंट 1995 जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको ट्रिप्स के बारे में बता चुका हूं पहले ही पुरानी क्लास में और यह भी बता चुका हूं कि डब्ल्यू जब बना है 1995 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन उसी के साथ शुरुआत हुई है ट्रिप्स एग्रीमेंट की ट्रिप्स एग्रीमेंट की अगर हम बात करें तो देखिए क्या है एज इज अ टेरिटोरियल प्रॉपर्टी एंड ईच नेशन हैज इट्स ओन सेट ऑफ राइट रूल्स एन्फोर्समेंट पनिशमेंट्स ऑफ फॉर आईपीआर रिलेटेड इशूज इट लेड टू मेनी कंफ्यूजन एंड डिस्प्यूट बिटवीन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेजेशन डब्लू टी ओ एड्रेस दिस इशू ड्यूरिंग दरुगवे राउंड ऑफ द जनरल एग्रीमेंट ऑफ ऑन टेरिस एंड ट्रेड जी ए टी टी बिटवीन नाइनटीन एटी नाइन एंड नाइनटीन नाइनटी डब्लू टी ओ ने इसको इशू को एड्रेस किया क्या इशू है कि भैया सबके अलग अलग हर एक कंट्री के अपने अपने रूल हैं कोई कहता है हम पांच साल का प्रोटेक्शन देंगे कोई कहता है हम दस साल का देंगे कोई कहता है हम यहां पर इन्फ्रिंजमेंट का केस करेंगे कोई कहता नहीं करेंगे तो उसकी वजह से बहुत सारा कंफ्यूजन और डिस्प्यूट क्रिएट हो गया तो उसके लिए डब्लू टी ओ ने इस इश्यू को एड्रेस किया कहां पर जीएटीटी में ठीक है उसके बाद क्या हुआ एज ऑफ नाउ डब्लू जीएटीटी में इस एड्रेस को इशू किया और उसको करने के बाद जरूरत किसकी पड़ी जरूरत पड़ी ट्रिप्स की उस एग्रीमेंट की जरूरत पड़ी जिसके लिए आया ट्रिप्स एज ऑफ नाउ डब्ल्यू टी ओ हेज वन सिक्सटी फोर मेम्बर्स इंक्लूडिंग इंडिया एंड ट्वेंटी फोर ऑब्जर्वर गवर्नमेंट्स द ट्रिप्स एग्रीमेंट अपियर्स एज एनेक्सचर वन सी ऑफ द मराकेश एग्रीमेंट मोरक्को मराकेश जो एग्रीमेंट हुआ है उसके एनेक्चर वन सी में ये आपका ट्रिप्स एग्रीमेंट दिया गया द ट्रिप्स एग्रीमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स ऑफ द डब्ल्यूटीओ डब्ल्यू टी ओ ने हमारा इशू था जिसकी वजह से कंफ्यूजन हो रहा था उसको एड्रेस किया और उसके बाद डब्ल्यू टी ओ के कई सारे जो आपका जस दिन बना है WTO, उसमें बहुत सारे एग्रीमेंट्स थे जिसमें कि एक था ट्रिप्स एग्रीमेंट द एग्रीमेंट प्लेज अ क्रूशियल रोल एज लीगल रिकोग्निशन ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ लिंक्स बिटवीन ट्रेड एंड आईपी द आई पी कवर्ड अंडर ट्रिप्स आर पेटेंट्स इंक्लूडिंग द प्रोटेक्शन ऑफ न्यू वेराइटीज ऑफ प्लांट्स कॉपीराइट एंड रिलेटेड राइट्स ट्रेडमार्क्स ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस इंडस्ट्रियल डिजाइंस लेआउट डिजाइंस ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स अनडिसक्लोज इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग ट्रेड सीक्रेट या फिर टेस्ट डेटा तो बेसिकली कौन कौन सी चीजें ट्रिप्स में कवर होती हैं जिस पर हमको प्रोटेक्शन मिलता है पेटेंट हो जाएगा आपका इसके साथ साथ जो आपका न्यू वराइटीज ऑफ प्लांट है उनका भी प्रोटेक्शन कॉपीराइट और उससे रिलेटेड राइट्स ट्रेड मार्क्स ज्योग्राफिकल इंडिकेशन इंडस्ट्रियल डिजाइंस लेआउट डिजाइन ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स ट्रेड सीक्रेट और टेस्ट डेटा ये सारा का सारा किस में कवर हो जाता है ये कवर हो जाता है आपका ट्रिप्स एग्रीमेंट 1995 में कन्वेंशन जिसकी वजह से बना है ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी हम क्लास में डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यू आई पी ओ वॉज साइंस एट स्टॉक होम ऑन चौदह जुलाई नाइनटीन सिक्स और लागू कब हुआ उन्नीस सौ सत्तर में अमेंडमेंट हुआ इज एन इंटर गवर्नमेंटल बिकेम वन ऑफ द स्पेशम उन्नीस सौ चौहत्तर में ये यूनाइटेड नेशन में शामिल हो गया नाइनटीन सेवेंटी फोर में यूएन में शामिल हो गया और उसकी एक स्पेशलाइज एजेंसी बन गया दिन ऑफ डब्लू आईपीओ गो बैक टू एन एट्टी थ्री एंड एटीन एट्टी सिक्स जैसा की मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ एटीन एट्टी सिक्स में आपका बर्न कन्वेंशन हुआ एट्टीन एट्टी थ्री में पेरिस कन्वेंशन हुआ उन दोनों को मिलाकर हमारा शुरुआत हुई किसकी डब्लू आई पी ओ की

ठीक है वर् रिप्लेस बाय दैट वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन बाय वर्च्यू ऑफ द डब्ल्यू आई कन्वेंशन यानी कि डब्ल्यू आईपीओ कन्वेंशन की शुरुआत ही हुई किस लिए ताकि आगे चल के हम एक ऑर्गेनाइजेशन बना सके जो कि ये जितनी भी ट्रीटीज हैं इनको एडमिनिस्टर कर सके ये था हमारा डब्ल्यू आई कन्वेंशन अब बात करते हैं वीएन एग्रीमेंट वीएन एग्रीमेंट की अगर हम बात करें नाइनटीन में अच्छा हाँ ईपीओ कन्वेंशन की अगर आप बात करेंगे कि कितने है? जितने आपके WIPO के हैं डब्लू आई पी ओ यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन कितने में वन नाइनटी थ्री वन नाइनटी थ्री कंट्रीज ने इस पर साइन कर रखा है इंडिया भी इसमें से एक है डब्ल्यू आई पी ओ कन्वेंशन अगला आता है वियना एग्रीमेंट वियना एग्रीमेंट की हम बात करें उन्नीस सौ तिहत्तर में इस एग्रीमेंट पर साइन हुए लेकिन लागू कब हुआ ये 1985 में 9 अगस्त 9 अगस्त 1985 अब ये क्यों बनाया गया वियना एग्रीमेंट क्यों बनाया गया ताकि वियना क्लासिफिकेशन को स्टैब्लिश किया जा सके अब देखिए यहां पर हम बताते हैं आपको कि इस क्लासिफिकेशन को बनाने की जरूरत क्या पड़ी वियना एग्रीमेंट का अगर हम बात करें मेंबर्स कितने हैं 38 मेंबर्स हैं वियना एग्रीमेंट के जिसमें कि इंडिया हमारा देश भी इसका मेंबर है इंडिया भी अब देखिए द वियना एग्रीमेंट कंक्लूडेड इन वियना इन इन 1973 एंड 1985 1985 में ही लागू हुआ है नौ अगस्त को अ क्लासिफिकेशन द वियना क्लासिफिकेशन फॉर मार्क्स दैट कंसिस्ट ऑफ और कंटेन फिगरेटिव एलिमेंट्स फिगरेटिव एलिमेंट्स क्या होता है इफ़ द मार्क कंटेन्स ग्राफिक एलिमेंट्स एंड लेटिन कैरेक्टर्स इट इज अ वर्ड एंड फिगरेटिव मार्क ठीक है है ये है हमारा वियना एग्रीमेंट जिसके तहत बनाया गया आपका वियना क्लासिफिकेशन वियना क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें ये कौन सा एडिशन है दिस इज द द एडिशन ऑफ क्लासिफिकेशन कितनी चीजें इसमें होती हैं ये जानना जरूरी है टोटल ट्वेंटी नाइन कैटेगरीज है कौन सा एडिशन है आपको ये जानना जरूरी है वियना एग्रीमेंट का सॉरी एट्थ नहीं है ये हमारा नाइन्थ एडिशन है ठीक है नाइन्थ एडिशन है वियना क्लासिफिकेशन का एक सॉरी ट्वेंटी नाइन कैटेगरीज 145 डिवीजंस, 806 मेन सेक्शंस और 903 सौ सेक्शंस। अब देखिए किस तरह से इसको लिखा जाता है देखिए यहां पर समझिए एग्जाम्पल से बताया गया एवरी फिगरेटिव एलिमेंट इन अ सेक्शन इज रेफर्ड टू बाई थ्री नंबर कौन कौन से सबसे पहला आपका क्या बताएगा बताएगा कैटेगरी दूसरा क्या बताएगा दूसरा बताएगा डिवीजन तीसरा क्या बताएगा तीसरा बताएगा सेक्शन एक से उनतीस तक आपकी कैटेगरी है ठीक है Which, इसके बाद द सेकेंड विच मे बी एनी नंबर फ्रॉम वन टू नाइनटीन द डिवीजन एंड दर्ड विच मे बी एनी नंबर फ्रॉम वन टू थर्टी द सेक्शन अब आप ये कहेंगे यहां पर वन टू नाइनटीन डिविजन है यहां पर डिवीजन टोटल वन फोर्टी फाइव है लेकिन अगर उनको हम डिनोट करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ एक से लेकर उन्नीस तक के नंबर का ही यूज कर सकते हैं ठीक है फॉर एग्जाम्पल अब आप देखिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ लिटिल गर्ल ईटिंग इसको कैसे बिलोंग किया जाएगा इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा तो देखिये इट बिलोंग्स टू कैटेगरी टू ह्यूमन बींगस तो यानी कि हमने लिख दिया टू कैटेगरी आ गई ह्यूमन बींगस ठीक है इसके इसके बाद बाद किसकी बात इसके बाद बात करिए करिए की Division कौन सा आ गया चिल्ड्रन यानी कि नंबर फाइव डॉट फाइव फिर डॉट इसके बाद क्या है इसका जो मेन सेक्शन है मेन सेक्शन क्या है गर्ल्स डॉट थ्री तो ये हो गया हमारा इसका नोटिफिकेशन या एक तरह से इसको हमने आपको क्या बोलते हैं कोडिंग कर दिया इसका हमने इसको कोडेड फॉर्म में लिख दिया जो हमें दिया गया था इससे क्या होता है इससे हम पता कर सकते हैं कि क्लासिफाई कर सकते हैं कि, कि किस कैटेगरी को बिलोंग करता है किस डिवीजन को बिलोंग करता है किस सेक्शन को बिलोंग करता है तो ये सब किस में आया वीएनआर क्लासिफिकेशन में आ गया बात समझ में अब देखिए अगर ऑक्सिलरी सेक्शन भी ऐड कर दिया जाए तो यहां पर एग्जाम्पल दिया गया है चिल्ड्रन ड्रिंकिंग और ईटिंग देखिए ऑक्सिलरी सेक्शन है एट्टीन किसके लिए अगर यहां पर ऐसा बोल दिया जाता है अभी यहां पर क्या लिखा हुआ है अ लिटिल गर्ल ईटिंग ठीक है इसको तो हमने डिफाइन कर दिया कैसे आया दो पांच अट्ठारह ठीक है सॉरी दो पांच तीन अब अगर हम बात कर रहे हैं ऑक्सिलरी सेक्शन अगर एट्टीन ये भी एड कर दिया जाए तो इसको हम ऐसे लिखेंगे टू फिर कॉमा और उसके बाद एट्टीन तो इसका मतलब ये समझ में आ जाएगा कॉमा के बाद जो ये सेक्शन है ये क्या है ये है हमारा ऑक्सिलरी सेक्शन ऑक्सिलरी सेक्शन ये सब किसमें डिफाइन किया गया है ये सब कुछ डिफाइन किया गया है वियना क्लासिफिकेशन में टोटल 29 कैटेगरीज 145 फोर्टी फाइव आठ मेन सेक्शन और 903 आपका ऑक्सिलरी सेक्शन और फाइनली अपना जो आपका आईपीआर का सिलेबस है पूरा फुल सिलेबस आईपीआर का कंप्लीट होता है पूरा फुल सिलेबस आपका कंप्लीट होता है दी एंड आपका फुल सिलेबस अब कोई भी आपको डाउट है किसी भी तरह का कंफ्यूजन है तो आप डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं इस सब्जेक्ट से रिलेटेड आई होप मैं उम्मीद करूंगा जितना आपको मैंने कवर कराया जितना आपको पढ़ाया है मैं उम्मीद करूंगा आप ज्यादा से ज्यादा स्कोर करके आए विश यू ऑल द बेस्ट थैंक यू फॉर वॉचिंग थैंक यू सो मच